फैन खाली गया, फैन खाली। अजून काय हां मी घेतो वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हो गया आज? हाँ ओके आई सेड गुड मॉर्निंग। Am I clearly audible? Yes, online student, बताइए जो ऐप में कनेक्टेड है। जस्ट अ मिनट बेटा, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आज शुभम सर का सेशन ज्यादा चला है ना, तो लॉ का सेशन जो है ज्यादा चला आपका। जस्ट अ मिनट, स्टार्ट करते हैं। मागच्या बॅचचं काय किंवा आपण अपलोड केलेले आहे मागच्या बॅच, तर त्याची प्रिंट आउट काउंट प्रिंट काउंट सेट करून फक्त प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स।
वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे दोस्तों आप सभी लोग? अरे बताइए कैसे हो? बढ़िया, अच्छे हो. तो चलिए आज का सेशन हमारा जीएसटी का स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ. आर यू रेडी? एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. तो इस बार टैक्सेशन में तो चलिए आ जाइए. तो 400 पार तो आ जाइए. चलो 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 ना लाए को. ओके यहाँ पे तो यहां स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी. ठीक है तो यस बेटा यहां पे प्लीज 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 चैप्टर 2 पे आ जाओ फटाफट फटाफट. बाते शाते क्लास के बाद. ठीक है तो कल हमने डेफिनेशन देखा था इंडिया का. कुछ याद आया आपको इंडिया का डेफिनेशन? ओके एग्जाम में कोई लर्न वन तो करना नहीं है, थोड़ा पढ़ इसको अच्छे से पढ़ के जाओ. यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन और इंडिया का डेफिनेशन हमने देखा था सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स. ठीक है ये यहाँ पे वाटर का पार्ट भी कंसीडर होगा, उसके नीचे का सी बेड सब सॉइल और एयर स्पेस भी कंसीडर किया जाएगा. हाँ 12 नॉटिकल माइल्स के आगे सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक. ओके जहां तक हम बात करें तो सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स की अगर बात करें तो उसमें जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, जहां एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जहां रिसोर्सेस अवेलेबल हो गए, तो वो केस में वो रिसोर्सेस के जोन बनते हैं और उतना एरिया इंडिया में माना जाएगा और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये इंडिया में माना जाएगा. ठीक है चलो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. यस सेक्शन 9. ओके मैं डायरेक्ट सेक्शन 9 से यहां डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं. तो सर सीजीएसटी एक्ट. ओके सभी साइलेंट हो जाए, सेटल कर ले अपने आप को. मैं 2 मिनट का और टाइम दूंगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. अभी मैं शो कॉज व्हाई नॉट टू कीप यू साइलेंस. अरे है ना. और फिर मैं दूंगा डिमांड ऑर्डर. तो ओके सो यहां पे सीजीएसटी, उसके बाद में सीजीएसटी में सेक्शन 1 तो हमने देख लिया. सेक्शन 2 था फॉर डेफिनेशंस. मोर देन 100 डेफिनेशंस आर देयर, लेकिन मैं सारी डेफिनेशन एक साथ आपको नहीं पढ़ाऊंगा. ओके चैप्टर वाइज जो जो डेफिनेशन रिलेवेंट होगी वो चैप्टर में हम डेफिनेशंस देखेंगे. सर डायरेक्ट डेफिनेशंस कितनी आती है एग्जाम में? अभी तक तो कभी नहीं आई. ओके डायरेक्ट ऐसे डिफाइन दिस एंड डिफाइन दैट. ओके मैंने आपको पेपर स्ट्रक्चर पहले सेशन में बताया था, और पहले सेशन में पेपर स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्लियर बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है तो डेफिनेशंस वगैरह जो मैं कहूंगा उतनी ही रट्टा मारना. आई सेड प्लीज कीप साइलेंस. को नहीं बोलो तो असल तो वो कर. ठीक है यहां पे डेफिनेशंस यहां जहां तक देखा जाए तो यहां डेफिनेशंस डायरेक्ट जनरली आज तक नहीं पूछी है. इनिशियल स्टेज पे जब जीएसटी नया नया था 2017-18 में तब पूछा था, उसके बाद में उन्होंने नहीं पूछा है. ठीक है तो डोंट वरी अबाउट डेफिनेशन. जो डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी मैं चार्ट फॉर्म में आपसे लर्न करवा लूंगा. ओके डोंट वरी फॉर दैट. चलिए डेफिनेशंस के बाद सेक्शन 3, 4, 5, 6 इतने सेक्शंस आपको सीजीएसटी के अप्लीकेबल नहीं है. वो जीएसटी ऑफिसर की पावर्स दी है, वो फाइनल लेवल पे आता है, इंटर लेवल पे नहीं आता है. ठीक है तो 6 तक सेक्शंस अप्लीकेबल नहीं है. आपको अप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 7 और 8. सेक्शन 7 और 8 जो है हमारा आगे एक डिस्कशन चालू होगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या सप्लाई. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में लगभग अराउंड हमारा इसके ऊपर 8 to 10 लेक्चर्स रहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे. ओके तो उसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन देखने वाला है, सेक्शन 7 और 8. ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से. सर हम सेक्शन 9 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? पहले ये समझ लेते हैं कि लेवी किसके ऊपर है, कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप मेरे पर जीएसटी लगा रहे हो. व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन?
कौन से इवेंट पे चार्ज है? जैसे आपको मैंने ये कहा था कि कोई भी इकोनॉमिकल लॉ में एक इवेंट होता है ओके, और वो इवेंट पे टैक्स लगाया जाता है, टैक्स पर्सन पे नहीं है, टैक्स इवेंट्स पे है। तो पहले इवेंट समझ लेते हैं कि कौन से इवेंट पे जीएसटी लगाया गया, और वो इवेंट डिफाइन किए सेक्शन 9 में, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते बेटा? चार्जिंग सेक्शन, जिसको हम नाम देते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो चलिए सेक्शन 9 में आते हैं ओके। तो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ क्या? आईजीएसटी एक्ट। तो पहले सेक्शन 9 देख लेते हैं और फिर बाद में सेक्शन 5 यहाँ पे देख लेंगे। वैसे मैं फिर से कह दूँ आपको, ये टेक्स्ट में, टेक्स्ट से ज़्यादा आपको चार्ट में ही बहुत अच्छे समझ में आएगा ओके, और इसका भी हम चार्ट बनाएंगे आगे। तो देखो, लेवी ऑफ जीएसटी, लेवी मतलब लाइबिलिटी, लिखना हो तो लिख दो, लेवी इक्वल्स टू लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी, लेवी ऑफ जीएसटी। तो आपकी लाइबिलिटी जीएसटी पे करने की कब आएगी? लेवी सीजीएसटी। अच्छा, इवन तो इसमें एसजीएसटी बोला नहीं है, तभी जहां सीजीएसटी लगता है वहां एसजीएसटी भी लगता है, क्योंकि हम सेंट्रल एक्ट पढ़ रहे हैं, स्टेट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इवन दो यहां पे सिर्फ सीजीएसटी बोला होगा, बट ऑन पैरेलल लाइन आपके ऊपर एसजीएसटी भी सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा ओके। सीजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई, अंडरलाइन ओके। मतलब ये बताओ कि सीजीएसटी का लेवी किसके ऊपर डाला हुआ है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेवी किसके ऊपर डाला है? कनेक्ट हो जाओ मेरे से, कनेक्ट, ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ क्या बेटा? गुड्स और सप्लाई। तो आपका मेन टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई ओके, मेन टैक्सेबल इवेंट हाईलाइट करो, और वो है सप्लाई ओके। नाउ ये सप्लाई वर्ड आगे बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, अभी बस इतना ही समझ लो कि सप्लाई पे जीएसटी है, नॉट ऑन सेल वर्ड है सप्लाई, और सप्लाई गुड्स का हो या सप्लाई क्या बेटा? सर्विसेज का हो ओके। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसमें कोई डाउट आपको नहीं? क्योंकि देखो, कल हमने एक हायरार्की देखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 366 ने क्लियर कह दिया, सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 366 ने क्लियर कह दिया, और क्या क्लियर कह दिया? कि भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया गया, और एक्ट में भी कह दिया गया कि सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी का लेवी होगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और इस बार इन्होंने जो है ये भी एक अमेंडमेंट ऐड की, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल, मतलब अल्कोहल तो पहले से था, अब इन्होंने अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर, अंडरलाइन करो, यूज फॉर क्या? मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओके। इसको शॉर्ट में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को कहते हैं ENA, ENA ओके, या रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब देखो क्या हुआ, आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड में समझाना चाहूंगा। जो कंपनी अल्कोहल बना रही थी ओके, जो भी कंपनीज है जो अल्कोहल बना रही है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये अल्कोहल बनाने पर इनके ऊपर तो कोई टैक्स अल्कोहल पे लग नहीं रहा था जीएसटी का ओके, यानी इनके ऊपर कौन सा टैक्स लग रहा था? अगर आपको याद होगा तो क्या बेटा? एक्साइज और सेल पर वैट या सीएसटी, आपको यह याद आना चाहिए। तो एक्साइज किसके ऊपर लगता था? मैन्युफैक्चर पे, और ये किस पे लगता था? सेल पे, मैन्युफैक्चर और सेल पे ये टैक्सेस उनके ऊपर लग रहे हैं। देन अब देखो क्या हुआ, ये जो कंपनीज है, समझ लो एक्स वाई जेड कंपनी है, और ये एक्स वाई जेड कंपनी यहाँ पे ओके रॉ मटेरियल खरीद रही है, और इनका एक मेन रॉ मटेरियल था अनडीनेचर्ड ENA ओके, अनडीनेचर्ड ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रट्टा मारना पड़ेगा, क्या? अल्कोहल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ENA। तो अनडीनेचर्ड, या इनका एक और रॉ मटेरियल जो कभी कभी यूज होता है, आपको ये पता होगा कि अल्कोहल स्पिरिट से बनता है ओके, स्पिरिट होता है, और वो रेक्टिफाइड स्पिरिट में ओके वाटर मिक्स करके और सोडा मिक्स करके फिर क्या बनाते हैं? अल्कोहल। अरे समझा नहीं समझा? तो ऐसे केस में इनका एक रॉ मटेरियल था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा था कि सिर्फ अल्कोहल जो फिनिश गुड्स बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, अल्कोहल जो फिनिश गुड्स बनेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा,
मेरी बात समझ में आई क्या? तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एक्साइज और वैट लगेगा। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि क्या उनका जो एक रॉ मटेरियल है, और कौन सा रॉ मटेरियल है? ईएनए या स्पिरिट। तो ये ईएनए और स्पिरिट जो मैन्युफैक्चर में यूज हो रहा है, किसके मैन्युफैक्चर में यूज हो रहा है? ओके, अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में यूज हो रहा है। तो ये जो अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में यूज हो रहा है, इसका क्या? क्योंकि बहुत से सप्लायर, बहुत से समझ लो ये सप्लायर है, और ये सप्लायर जो है ये ईएनए प्रोवाइड कर रहा है एक्सवाइजेड लिमिटेड को, और ये ईएनए जो एक्सवाइजेड लिमिटेड को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका फिनिश गुड्स ईएनए है या फिर स्पिरिट है, और ये ईएनए और स्पिरिट सप्लाई कर रहा है एक्सवाइजेड लिमिटेड को। तो सवाल ये था कि ईएनए या स्पिरिट जो एक्सवाइजेड को प्रोवाइड किया जा रहा है, आई रिपीट, किसको? एक्सवाइजेड को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या? तो ये अमेंडमेंट के पहले, आई रिपीट द वर्ड, क्या ये अमेंडमेंट के पहले इसके ऊपर जीएसटी लगता था? आई रिपीट, इसके ऊपर जीएसटी लगता था। क्यों? क्योंकि जीएसटी में से सिर्फ 6 प्रोडक्ट और आप एक ऐड होने जा रहा है। ओके, सुना क्या? पहले 6 कौन से प्रोडक्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एक अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पूरा वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इतने 6 प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर थे, समझ में आया क्या? फिर यहां पे जो अल्कोहल का रॉ मटेरियल है स्पिरिट, या अल्कोहल का रॉ मटेरियल है ईएनए। ओके, तो ये ईएनए और स्पिरिट का क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हाँ, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि सिर्फ अल्कोहल एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली जीएसटी लगेगा। फिर ये सवाल उठा कि भाई इसके ऊपर जीएसटी लगेगा तो सारी जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि जब हम ईएनए परचेस करते हैं या जब हम स्पिरिट परचेस करते हैं, तो इनवॉइस में क्या लग के आ रहा है बेटा? जीएसटी। और हमारे आउटपुट में क्या लग रहा है? एक्साइज। अब हम जीएसटी का क्रेडिट एक्साइज में ले नहीं सकते, अरे है ना, क्योंकि जीएसटी का क्रेडिट सिर्फ किस में मिलता है? जीएसटी में। सीजीएसटी का सीजीएसटी मिलता है, एसजीएसटी का एसजीएसटी मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड, अरे यस और नो? तो ऐसे सिचुएशन में फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि यार फिर तो है ना, ये अल्कोहल इंडस्ट्री ये कह रही है कि यार ये तो हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है कि हमारे इनपुट पे जीएसटी लगाया जा रहा है और आउटपुट पे क्या? एक्साइज लगाया जा रहा है, और अभी तक कलेक्शन हुआ। तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी काउंसिल ने ये इशू को यहाँ पे इंडस्ट्री के डिमांड पे जब काउंसिल मीटिंग हुई तो उसमें रेस किया, और उसमें रेस किया कि भाई बहुत से अल्कोहलिक लीकर के मैन्युफैक्चरर, उनका रॉ मटेरियल जो ईएनए होता है या उनका रॉ मटेरियल जो स्पिरिट होता है, उस पर यहाँ पे बेनिफिट मांग रहे हैं, और बेनिफिट ये मांग रहे हैं कि इसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि उनका डबल टैक्सेशन हो रहा है, उनको क्रेडिट्स भी नहीं मिल रहे हैं। ये समझ में आया क्या? तो फिर ये बात जब जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मेजॉरिटी से पास हुई, तो मेजॉरिटी मिलने के बाद एक्ट चेंज किया गया, और एक्ट में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए। और कौन से वर्ड्स ऐड किए गए? तो हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है, कौन सा बेटा? सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 में ये वर्ड्स ऐड किए गए कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी का लेवी तो नहीं होगा, वो तो पहले से है। आई रिपीट, वो तो पहले से, और अब ऐड कर दिया क्या बेटा? अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ईएनए एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्या? अल्कोहलिक लीकर, इस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो चलो बताओ, बताओ कितने प्रोडक्ट हो गए अब जो नॉन जीएसटी? मैंने कहा था एक बाद में ऐड करूंगा, ये वो बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो 6 तो पहले से थे, और अब उसमें क्या ऐड करेंगे हम? ईएनए एंड मोटर स्पिरिट। इससे फायदा क्या हुआ इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को फायदा ये हुआ, ध्यान सुनना, इंडस्ट्री को ये फायदा हुआ कि अब जो है वो ईएनए जब परचेस करेंगे या फिर स्पिरिट परचेस करेंगे, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सो दैट कि अब वो जो है अब कंफर्टेबल हुए, अब उनको एक्साइज वैट जीएसटी देने में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था, अब ये डायग्राम आपको यहाँ पे कहाँ ड्रॉ करना है, तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने इसके लिए स्पेस रखी हुई है। आप पेज नंबर 14 पे आ जाओ। पेज नंबर 14 के आसपास देखो, आपको दिखेगा, वहाँ दिख रहा 14 पे ईएनए स्पिरिट, हाँ ये दिखा कि नहीं दिखा? तो नो जीएसटी अंडर सेक्शन 9,
सेक्शन 9 में इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, ओके, और इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। चलो ये डायग्राम बना लो फटाफट, चलो 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 ये डायग्राम बना लो फटाफट। वहां पे ये ने उसका रॉ मटेरियल है, पेज नंबर 14 पे आओ। पेज नंबर 14 पे एक मैंने जगह रखी हुई है, दिख रहा है नीचे स्पेस रखी हुई है, वहां पे वहां ये डायग्राम कैसा कर रहे हो यार, मैं थर्ड टाइम बता रहा हूं। पेज नंबर 14 पे टोबैको वाला जो डायग्राम है उसके नीचे अल्कोहल का टाइटल दिया हुआ है, अल्कोहल के टाइटल में सेकंड पार्ट में ईएनए दिया हुआ है, वो ईएनए के नीचे थोड़ी थोड़ी स्पेस है, वो स्पेस में वहां पे लिखना है। ना लायक, थैंक यू ना करे, हाँ यहां पे डन हो गया। और ये नो जीएसटी अंडर क्या बेटा, सेक्शन 9। अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन में नो जीएसटी बुलाया, सेक्शन 9 ने नो जीएसटी बुलाया, सेक्शन 9 ने नो जीएसटी बुलाया, अभी सेक्शन 9 के थ्रू इसको जीएसटी के बाहर रखा है। वो नहीं, वो ये इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, उसका नहीं मिलेगा, वो पुराना नहीं मिलेगा, वो एज अ कॉस्ट गया। ये जब से अमेंडमेंट हुई ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। हाँ, पर अल्कोहल इंडस्ट्री ये सोच रही है कि चलो भाई अब तो मिला, पहले नहीं था लेकिन अब तो मिला, ठीक है जो मिले सो अच्छा, ठीक है डन। हाँ लेकिन अभी क्या था कि ये इंडस्ट्री से, अभी एक सवाल बड़ा अच्छा है, इवन द रिकॉर्ड हो रहा है तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सवाल है कि सर क्यों दिया, मतलब जीएसटी लगा देते डबल टैक्सेशन होता, डबल टैक्सेशन होगा तो गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू होता, अरे है ना, और अल्कोहल डोमिनेट भी हो जाता। लेकिन कभी कभी क्या है बेटा, पॉलिटिकल डिसीजन कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, नहीं समझा आप, अब एक लाइन में बहुत कुछ समझ जाओ, ठीक है। पॉलिकल भाई ये इंडस्ट्री से पैसा बहुत आता है, ओके, बॉन्ड भी बहुत खरीदे जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी पॉलिटिकल डिसीजन थोड़े इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बस अभी इतना याद रखो कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। चलो तो यहां लेवी जो होगी, लेवी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेकेंड अगर आपके ऊपर लेवी हो जाती है तो वॉट शुड बी द वैल्यू, द वैल्यू शैल बी डिटरमाइन एज पर सेक्शन क्या 15, इसको हाईलाइट करो, एज पर सेक्शन 15 रेट क्या होगा। तो अब ये रेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मानस थोड़ा रुक जाओ, आपका क्वेश्चन लेता हो, ठीक है। तो अब रेट क्या, एट सच रेट Not exceeding 20% as may be notified by government on recommendation of GST Council. वो क्या कह रहे, थोड़ा समझ लो, वो कह रहे कि CGST का रेट मैक्सिमम 20% से ज्यादा कभी नहीं रहेगा और SGST का रेट भी मैक्सिमम 20% से ज्यादा कभी नहीं रहेगा। बताओ इंडिया में अभी क्या रेट्स चालू है, क्या रेट चालू है, एक है 5%, अरे है ना, एक कैटेगरी है 5%। तो वो क्या कहते, लॉ क्या कहता है कि मैक्सिमम 20, लेकिन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी 20 के नीचे कुछ नोटिफाई करना तो गवर्नमेंट नोटिफाई करी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो अभी जो रेट स्लैब चालू है
ये इस और कुछ रेट्स आएंगे वो बताओगा, लेकिन अभी जो स्लैब चालू है मेन स्लैब 5, 12, 18, 28, तो मुझे बताओ अभी 2.5 हुआ ये, यस और नो? ये 6.6 हुआ, ये क्या 9.9 हुआ, और ये 14। तो अभी सीजीएसटी का मैक्स रेट क्या नोटिफाइड हुआ है? अरे मैक्स रेट क्या नोटिफाइड हुआ है? 14 नोटिफाइड हुआ है। अरे हाँ है ना, लेकिन फ्यूचर में अगर इसको बढ़ाना रहा तो भी मैक्स टू मैक्स हम कितना बढ़ा सकते हैं? 20। समझ में आया क्या? तो 20% अभी तक रेट ही नहीं है, ये अपर लिमिट है। आई रिपीट, ये अपर लिमिट है, नॉट एक्सीडिंग 20%। तो ये अपर लिमिट दी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके नॉट एक्सीडिंग 20%, बट 20% के नीचे जो भी नोटिफाई करना रहा वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। उसके बाद में कलेक्शन, कलेक्शन ओके इन सच मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब, मतलब भाई जीएसटी लग गया तो कलेक्शन कैसे होगा, तो वो आगे प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जिसके लिए सेपरेट चैप्टर है। जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत झलक तो दी है, कलेक्शन ऐसा होता है कि आपको असेसमेंट इनवॉइस पे करना पड़ता है, आई रिपीट असेसमेंट इनवॉइस पे, पर पेमेंट मंथली होता है। एंड गवर्नमेंट टैक्स आपका ट्रांजेक्शन पे लेती है या मंथली बेसिस पे लेती है? मंथली बेसिस पे लेती है, जिसकी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख। ये सब आगे रूल्स में दिया है और रूल्स में आ जाएगा। एंड पेमेंट, पेमेंट शैल बी पेड बाय, ये हाईलाइट करना, टैक्सेबल पर्सन। ओके, टैक्सेबल पर्सन। सर इसका मतलब कुणाल ये सवाल पूछ रहा है कि सर ये बताओ कि फ्यूचर में 20% तक जीएसटी आ सकते हैं? आ सकते हैं, एंड मैक्सिमम रेट जीएसटी का 40 तक जा सकता है। अरे यस और नो? अभी अभी बीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि हम जीएसटी का एक और स्लैब लाएंगे आफ्टर 28, क्योंकि 40 तक तो पावर है, और एक स्लैब लाएंगे, लेकिन सारे स्टेट ने मना कर दिया कि भाई 28 ही चलने दो अभी फिलहाल, ओके, और दूसरा बड़ा स्लैब मत लाओ। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, पर व्हाट यू रेट में भी अभी तो यही रेट है बेटा। तो चलो, ये था लेवी ऑफ ओके यहाँ पे सीजीएसटी कैसे लेवी होगा। उसके बाद में रेट ऑफ जीएसटी, और जैसा मैंने आपको कहा मैक्सिमम रेट क्या रहेगा बेटा? 20। अब मैं आपको ये बता दूं, ये तो ये रेट्स आपको पता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, और दो रेट जीएसटी के नोटिफाइड है, 0.25%। 0.25% अगर आपको लिखना होगा तो ये डायमंड वगैरह, डायमंड, प्रिसियस स्टोन, स्टोन ओके, उसके लिए ये 0.25% है। बहुत कम जीएसटी रेट लगाया गया है क्योंकि ये हाई वैल्यू गुड्स है, और हाई वैल्यू गुड्स इंडिया में ट्रेड प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी कम लगाया हुआ है, और वो फुल रेट कितना है बेटा? 0.25%। और ये जो है 3% है, ये ज्वेलरी पे लगता है, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, ओके, ये ज्वेलरी पे लगता है 3%, गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी पे लगता है। यानी इसके ऊपर जीएसटी 12-18 नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं। इमेजिन करो गोल्ड पे अगर जीएसटी लगा दिया 18% का, तो ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाएगी। अरे हाँ है ना, तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने जीएसटी कम लगा के रखा हुआ है 3%। और वो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अब कोई गोल्ड खजाने जैसा कोई मटके में डाल के जमीन में गाड़े ना, चलन में लाए। अरे हाँ है ना, तो ऐसे केस में जीएसटी कम लगा के उन्होंने प्रमोट किया है कि गोल्ड को चलन में लाओ, ज्वेलरी को चलन में लाओ। आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी तो 5, 12, 18 एंड 28 है, तो ये जीएसटी के रेट्स हैं। ओके, पर रेट्स आपको यहाँ पे लर्न करना नहीं है। ओके, पर ये बेसिक नेसेसिटी नहीं भी हुई तो भी इंडिया में गोल्ड, ज्वेलरी और डायमंड का एक पब्लिक यहाँ पे इंटरेस्ट है, स्पेशली इंडिया में, हाँ या ना? और अगर हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जीएसटी लगा दिया तो लोग क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग चालू कर देंगे, और ब्लैक मार्केटिंग चालू हुई कि पूरी गड़बड़ हुई। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि नो ब्लैक मार्केटिंग, ओके, हाई वैल्यू गुड्स पे हम जो है स्मॉल परसेंटेज लगा के आप चलन में लाओ, ओके, ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ये समझ में आया क्या? तो यहां पर ये लर्न नहीं करना है, ये सब आपको प्रॉब्लम में दे दिया जाएगा, ठीक है? क्या रेट्स अप्लीकेबल है उसके बाद में आ जाओ। ओके, कौन से एटम पे? अब देखो सेक्शन यहां पे 9.2 क्या कहता है,
ओके और 5-2 आगे वो भी आएगा। तो 9-2 जो कहता है यहां पे देख लो कि सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्टेन आइटम्स सच एज पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैज नॉट बीन लेविड येट। अच्छा ये प्रोडक्ट पे जीएसटी कभी नहीं आएगा या आएगा? कब आएगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अरे यस और नो, पढ़ चुके हम। अरे यस और नो, तो हम लेवी विल बी इंप्लीमेंटेड बेस ऑन द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ क्या? जीएसटी काउंसिल। जब जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन आएगा तब ये गुड्स पे जीएसटी लगाया जाएगा। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने चार्ट में देखा था। चार्ट याद आ रहा है आपको? पहला लिखा था आउट ऑफ जीएसटी, अरे आए ना 5+1, आई रिपीट 5+1। अब एक और ऐड हो रहा है ईएनए, पर वो थ्रू सेक्शन है। वो थ्रू क्या? सेक्शन है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। दूसरा कुछ दो कैटेगरी थी जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी था, और बाकी सारे गुड्स पे क्या? जीएसटी। तो मुझे बताओ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, चार्ट को याद करके या सामने रखो चार्ट, नहीं याद हुआ होगा तो डोंट वरी, सामने रखो तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं। यहां क्रॉस कर दो, नहीं। अच्छा एक्साइज लगता है क्या? यस। तो लिख दो स्टेट एक्साइज, स्टेट एक्साइज लगता है अल्कोहल पे, ठीक है। और वैट और सीएसटी लगता है क्या? यस। ओके, वैट और सीएसटी भी लगता है। दूसरा अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ईएनए और स्पिरिट, ईएनए या स्पिरिट, कुछ याद आ रहा है आपको? अच्छा ये कौन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है या सेक्शन में दिया है? सेक्शन में दिया है। जीएसटी लगेगा? नहीं। अच्छा अच्छा इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा तो ओके, बाकी टैक्सेस लगेंगे क्या? ये स्टिल इन डिस्प्यूट, क्योंकि यहां पे हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो आप सिर्फ इतना लिखो स्टिल इन डिस्प्यूट, स्टिल इन डिस्प्यूट, कि इसके ऊपर बाकी टैक्सेस लगेंगे क्या, अभी तक क्लैरिटी नहीं है, केस सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई है। अरे आया ना, तो अभी सर एग्जाम में आया तो हम क्या लिखे? एग्जाम में आपको सिर्फ इतना सा ही आएगा ओके, कि क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो ईएनए पे जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी आपको नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी, क्योंकि जो भी इश्यूज कोर्ट के पास डिस्प्यूट में है उसको, उसके लिए स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता है। समझ में है? अभी फिलहाल तो डिस्प्यूट में है, सारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं ओके, प्रोडक्शन हो रहा है, कोई टैक्सेस नहीं, पर कोर्ट का डिसीजन आने के बाद रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस भी लग सकता है। अरे आया ना, तो अभी तो नहीं। बहुत से लोग, अब आपको ये प्रोसीजर नहीं समझ में आएगी पर कोशिश करता हूँ, बहुत से इंडस्ट्री जो ईएनए बनाती है स्प्रिट बनाती है वो अंडर प्रोटेस्ट पे कर रही है। अंडर प्रोटेस्ट मतलब टैक्स दे रही है एक्साइज और वैट, लेकिन ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर हमारे फेवर में आया तो हमें उसका रिफंड चाहिए, मिलना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? बस इतना ही समझो, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद में पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसके ऊपर अभी फिलहाल तो जीएसटी नहीं है, पर क्या इसके ऊपर एक्साइज है? हाँ, लिखो सेंट्रल एक्साइज है, वैट भी है और सीएसटी भी है। ये थर्ड फोर्थ टाइम रिवाइज हो रहा है आपका। ओके अच्छा, टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे क्या जीएसटी है? हाँ। और क्या एक्साइज भी है? हाँ, सेंट्रल एक्साइज है, वैट नहीं और सीएसटी भी नहीं। अच्छा ओपियम नार्कोटिक्स क्या जीएसटी भी है? हाँ। और एक्साइज भी है? हाँ, स्टेट एक्साइज, स्टेट एक्साइज। बाकी जहां जीएसटी लगता है वहां वैट और सीएसटी नहीं लगता है। ओके और ऑल अदर गुड्स, ऑल अदर गुड्स ओनली क्या बेटा? जीएसटी, ऑल अदर गुड्स। ये टेबल और आपको हेल्प करेगा टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। समझ में आए क्या? तो चलिए ये हुआ रिगार्डिंग टू कि यहां पे कौन से आइटम पे जीएसटी, कौन से आइटम पे नहीं है फिलहाल। ओके और हमने एक एनालिटिकल टेबल यहां पे बनाया। नाउ एक कंसेप्ट है बेटा, सेक्शन यहां अगर आते हैं तो ये सेक्शन
93, मतलब ये तो सीरियल नंबर है 4, यहां कोट कर दो सेक्शन 93, सेक्शन 93 रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब ये 93 में जो रिवर्स चार्ज होता है वो क्या होता है, तो पहले तो अंडरलाइन करो, अप्लाइज टू स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स डायरेक्टली। बताता हूं, नॉर्मली जीएसटी में, अब सभी ने ध्यान देना, नॉर्मली जीएसटी में टैक्स कौन पे करता है गवर्नमेंट को, एक होता है सेलर, एक होता है बायर या रिसिपिएंट, ठीक है। सप्लाई हुआ गुड्स का, एसओजी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स, एसओएस मतलब सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे सर स्क्रिबल करना क्या, स्क्रिबल फेयर नहीं रहेगा, फेयर हमारे चार्ट्स रहेंगे, अरे आया ना, और फेयर मैं जो आपको प्रेजेंटेशन करवाऊंगा। किसी स्टूडेंट्स को अगर अपने आप को एंगेज करना है, जो बहुत अच्छी बात है, ओके, जैसा आप स्क्रिबल कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट में, अपने आप को एंगेज रखना है, क्योंकि 3-3.5 घंटा टैक्स करना कोई इजी जॉब नहीं है, ठीक है। तो एंगेज रखने के लिए वो अपने कोई रफ डायरी में स्क्रिबल कर सकता है और मेरे साथ एंगेज रख सकता है, लेकिन लेकिन हमारा एक चार्ट नोटबुक अलग रहेगा, अरे आया ना, और एक क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग रहेगा। उसके अलावा तुमको करना है तो करो, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि करो जिसमें आप क्या एक्टिव रहोगे, पर ये बाद में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड, ओके। तो चलिए, अब मैं यहां पे थोड़ा आपको सप्लायर और बायर, मुझे ये बताओ, अगर वैल्यू यहां पे वैल्यू 1,00,000 रुपए है, ओके, वैल्यू 1,00,000 है और इसका जीएसटी यहां लगा एट द रेट 18%, और वो 18% कितना बेटा, 18,000। तो ये 18,000 जो है यहां पे लगा, गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा, अरे बोलो, गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा, बायर, बायर देगा ना, मतलब दो खींच के, सेलर देगा ना, तो गवर्नमेंट को सेलर टैक्स देगा, कितना टैक्स देगा, हाँ, 18,000 एंड बर्डन, एंड बर्डन पास ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये बर्डन पास ऑन हो जाएगा, किसको पास ऑन हो जाएगा, बायर को, ओके। तो इसको हम कहते हैं, जब सप्लायर टैक्स देता है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल चार्ज, आगे पूरा आएगा चार्ट में, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, नॉर्मल चार्ज, या इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। चलो एक बार फिर से, नॉर्मल चार्ज या, तो नॉर्मली सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल चार्ज, और यू कैन से फॉरवर्ड चार्ज। अब मैं आपके सामने कुछ केस स्टडी प्रेजेंट करना चाहूंगा और मुझे इसका आंसर चाहिए, ओके। समझ लो ये है इंडिया, ओके, और यूएसए में कंपनी है, और ये यूएसए में समझ लो एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, और वो जो है इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कर रही है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, अरे है ना, या सॉफ्टवेयर सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर सर्विस वो इंडिया में प्रोवाइड कर रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई POS इंडिया है, आई रिपीट, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, और रिसिपिएंट भी कहां का है बेटा, इंडिया का। मुझे बताओ इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए क्या, माइक प्लीज, इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए क्या, सप्लायर बाहर है और लेने वाला इंडिया में है, क्या इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए क्या, हाँ, क्यों आएगा, कोई आंसर, ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ दोस्त को क्यों आना चाहिए जीएसटी इसके ऊपर सर, क्योंकि हमने सीखा है कि इंपोर्ट को भी हम IGST पकड़ते हैं, तो ये जीएसटी में आएगा। तो ये आपका कहना है कि सर, ओके, हमने एक जगह लिखा था इंटरस्टेट इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यस सर, अरे है ना, या इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये बाहर से सर्विस इंडिया में, इसलिए जीएसटी आना चाहिए। दूसरा कोई रीजन आपने सही बताया, तो यहाँ पे दो, ओके, यहाँ पे, सर, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, करेक्ट, वेरी गुड, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और ये सप्लाई इंडिया के डेस्टिनेशन में हुआ है, अरे है ना, तो इसके ऊपर जीएसटी क्या आएगा, आएगा जीएसटी, जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, ओके, तो नो डाउट लायबल टू, ये ट्रांजेक्शन लायबल टू क्या बेटा, जीएसटी। अच्छा,
इस ट्रांजेक्शन पे अगर जीएसटी आता है और इंपोर्ट इंपोर्ट पे आईजीएसटी आता है, आई रिपीट इंपोर्ट पे क्या आईजीएसटी आता है, तो फिर दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि भाई अब इसका जीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? तो नॉर्मली गवर्नमेंट को कौन देता है जीएसटी? सप्लायर. ओके, नॉर्मली सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी देता है, जिसे हम नॉर्मल चार्ज कहते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज करते हैं, और बर्डन पास ऑन. अब इमेजिन द सिचुएशन, ध्यान सुनना, इमेजिन द सिचुएशन कि अगर लायबिलिटी सप्लायर पे और सप्लायर उसका टैक्स दे ही नहीं रहा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स पे कर, और इंडिया में आज और कोई एक कंट्री से सर्विस थोड़ी आती है, नंबर ऑफ कंट्रीज से सर्विसेज आ रही है. अरे आया ना, और इमेजिन करो हमारी गवर्नमेंट उन पर ट्रैक रख रही है, चलो पे टैक्स, वो दे नहीं रहे है टैक्स. अरे कैसे नहीं दे रहे, इंटरनेशनल सूट फाइल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. भाई साहब अभी तक हम यहां पे दाऊद को नहीं ला सके, विजय माल्या को नहीं ला सके, नीरव मोदी को नहीं ला सके. अरे आया ना, तो ये बंदे को लाने जा रहे अगर इसने टैक्स नहीं दिया तो. गवर्नमेंट को पता है कि किस पे ट्रैक रखेंगे यार, कितने सारे सप्लायर्स है इंडिया के बाहर, अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो क्या कर पाएंगे? कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे. इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि ये केस में हम हमारा जीएसटी का कलेक्शन सप्लायर से नहीं करेंगे. जिसने सर्विस ली, आई रिपीट, जिसने सर्विस ली वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा. और इसको कहते हैं जो चार्ज सप्लायर पे था वो चार्ज रिवर्स कर दिया गया. नहीं, एक मिनट, जो चार्ज किसके ऊपर था? सप्लायर पे था, वो चार्ज रिवर्स कर दिया गया. ओके, और इसका ये इसको कहा जाता है क्या बेटा? रिवर्स चार्ज. तो यहां रिवर्स चार्ज. ओके, और यहां गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? बायर. पर ये सभी केस में नहीं, कुछ केसेस गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, और वो गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेगी उसका टैक्स गवर्नमेंट सप्लायर से नहीं लेगी, उसका टैक्स गवर्नमेंट रिसिपिएंट से लेगी. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, रिसिपिएंट पे लेगी. सर इसमें फिर हमारे बहुत सारे डाउट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या करें अभी, क्या करें? तो भाई साहब मैंने साइड में लिखा है, ओके, दिस चैप्टर नंबर 4 में ये डिटेल डिस्कशन किया जाएगा. बस अभी थीम समझ लो, अभी प्रिंसिपल समझ लो कि कुछ केसेस, कुछ स्पेसिफाइड केसेस है. ओके, और वो स्पेसिफाइड केसेस में टैक्स जो है सप्लायर से नहीं लिया जाता है, टैक्स किससे लिया जाता है? रिसिपिएंट से. एक सिंबॉलिक एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा जो आपने बचपन में फील किया होगा, और ये रिवर्स चार्ज समझने में आपको आसानी होगी. ओके, घर में आप जब छोटे बच्चे थे, ओके, 7-8 साल के, और बाजू नेबर में भी आपके एज का एक बच्चा था. ओके, दोनों खेल रहे हैं. अब दोनों खेल रहे, खेलते खेलते दोनों में मस्ती हो गई, झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद बाजू वाले ने दिया 2-3 टिका के. अरे है ना, वो बच्चा जो था दिया 2-3 टिका के. अब इसमें आपकी मम्मी देख रही है कि गलती बिल्कुल आपकी नहीं है, बाजू वाला थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है. अरे है ना, बदमाश है. ओके, उसने झगड़े में 2-3 आपको दिया टिका के, आप रोते रोते घर पे आएगी, मम्मी उसने मेरे को मारा, ऐसा किया वैसा किया. तो मम्मी जो है आपको ही 2 टिका के देती है. क्यों? तेरे को कितनी बार कहा उसके साथ खेलना नहीं. अरे है ना, तो ऐसे केस में बिल्कुल ये एग्जाम्पल है कि सप्लायर बाहर बैठा है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो नाउ गवर्नमेंट आपको ही टिका के देंगे, कितने बार कहा उसके साथ खेलना नहीं. अरे है ना, मतलब क्या, इन केस ऑफ इंपोर्ट सर्विस उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं. समझ में आया क्या? कंट्रोल जो इंडिया में उस पर ही है, तो उसको ही गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ेगा. और ये था कॉन्सेप्ट किसका बेटा? रिवर्स चार्ज. लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन हम कौन से नंबर में करेंगे? चैप्टर नंबर 4 में. डिड यू अंडरस्टैंड? बाकी सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे इन चैप्टर नंबर 4. और चैप्टर नंबर 4 तो भाई साहब ऐसा पढ़ा होगा कि जब आप सीए इंटर पास हो जाओगे और ऑफिस में जाओगे और आपके बॉस को अगर रिवर्स चार्ज का कोई कंफ्यूजन हुआ और आप बताओगे कि ये ऐसा नहीं है ऐसा है, तो आपका बॉस पूछेगा बेटा क्लास कहाँ लगाया था. हाँ, तो डोंट वरी फॉर दैट. तो यहाँ पे ये था सेक्शन 9-3. ओके, 9-3, उसके बाद में यहां पे ये है सेक्शन 9-4, लिख दो यहां पे सेक्शन 9-4. ये भी रिवर्स चार्ज के बारे में बात करता है.
ये भी रिवर्स चार्ज में बात करता है फॉर स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज। तो ये 9394 हम आगे देखेंगे, डिटेल डिस्कशन चैप्टर 4 में देखेंगे, पर एक ब्रॉड सेंस में रिवर्स चार्ज क्या होता है ये समझ में आया आपको? यस और नो? ठीक है, यहां पे उसके बाद में यहां 95 यहां लिख दो ब्रैकेट में ईसीओ सेक्शन 95, सेक्शन 95, ठीक है। द गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्टन सप्लाइज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, नोटिफाइड सर्टन सप्लाइज, अंडरलाइन करो, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल द टैक्स ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय ईसीओ, अंडरलाइन द वर्ड क्या बेटा, ईसीओ, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। ईसीओ मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई टू ईसीओ। तो यहां पे बस इतना लिख दो, बाद में कवर करूंगा। डिटेल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन इन चैप्टर 4, इन चैप्टर 4, ठीक है। ईसीओ पूरा वहां समझाऊंगा, यहां नहीं समझाता हूं क्योंकि उसका पूरा बेस से समझाना पड़ेगा मेरे को, ईसीओ रहता क्या, और वो रिवर्स चार्ज समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं उधर कवर करूंगा चैप्टर नंबर 4। तो इस तरह से हमने सेक्शन 9 का 91, 92, 93, 94 एंड 95, 91 लेवी, 92 कुछ गुड्स, सम गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, 93, 94 क्या है बेटा आरसीएम, एंड 95 क्या है ईसीओ। ओके, ये हमने देखा यहाँ पे। इसमें से ये वाला डिस्कशन पूरा मैं कौन से चैप्टर में करूँगा? चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। चलो, ये तो था सेक्शन 9 ऑफ यहाँ पे सीजीएसटी। अब नेक्स्ट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, यहाँ लिख दो सेक्शन 5, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। एक मिनट, ओके, अंडर आईजीएसटी एक्ट इधर लिख देना, आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 5, आईजीएसटी एक्ट, ठीक है। आपको सिलेबस में दो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, आपको सिलेबस में दो एक्ट है, एक है सीजीएसटी एक्ट और दूसरा कौन सा है बेटा, एसजीएसटी सिलेबस में नहीं है, दूसरा कौन सा है आईजीएसटी एक्ट, ठीक है। सीजीएसटी एक्ट में चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है कौन सा बेटा 9, और आईजीएसटी में, अच्छा आईजीएसटी कौन से ट्रांजेक्शन पे लगता है, इंटरस्टेट, तो इसमें चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है और वह सेक्शन क्या 5, ओके। तो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज, अंडरलाइन, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके। इन शॉर्ट, इंट्रास्टेट सप्लाई भी सारे गुड्स और सर्विसेज पे सीजीएसटी लगाएगा, और अगर वही सप्लाई क्या होगा बेटा, इंटरस्टेट होगा तो क्या लगेगा आईजीएसटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, सिमिलर लाइन पे अल्कोहल होगा तो अल्कोहल पे आईजीएसटी नहीं लगेगा, और ईएनए होगा तो ईएनए पे भी आईजीएसटी नहीं लगेगा। बस एक ही डिफरेंस है सेक्शन 9 और 5 में, वहां वर्ड है इंट्रा, यहां वर्ड है इंटर, समझ में आया क्या। दूसरा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इम्पोज बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, अंडरलाइन, अंडर सेक्शन 15। और मुझे बताओ, अगर सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20 है, आई रिपीट, सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20 है, तो आईजीएसटी का मैक्स रेट क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए, हाईलाइट करो, मैक्स रेट आईजीएसटी 40% से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है।
अब एक डिस्कशन जीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स कीप इन प्रायोरिटी बी, पर मैं आपको ये अभी इनिशियल स्टेज पे समझाऊंगा। सर एक सवाल है, और सवाल ये है कि आप ये पढ़ा रहे हो चार्जिंग सेक्शन, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, थोड़ा वेट करना। अभी से जो कल चैप्टर वन में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को हम सेक्शन में स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, यस और नो? हाँ, क्योंकि हमने तो जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ी थी, अब वो सेक्शन में इनकॉर्पोरेट की जा रही है और उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंपोर्टेड गुड्स। अब बेटा अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है, एक मिनट, मैंने इंपोर्टेड सर्विस की बात की या गुड्स की बात की? अगर ये गुड्स, यहां पे डायग्राम में लिखो इंपोर्टेड गुड्स, अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है अंडर कस्टम्स एक्ट। बताओ कौन सा पहला टैक्स लगता है? मैंने ये डायग्राम में लिखा के दिया था ऐसा आपको, अगर आपको याद होगा तो कस्टम्स एक्ट आज भी लागू है और कस्टम एक्ट के थ्रू इसके ऊपर पहला टैक्स लगता है और वो है बेसिक, कुछ याद है आपको? वो है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स, इंपोर्टेड की बात करो मैं, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीसीडी, बीसीडी, ठीक है। अब इसके आगे मत लिखना, मैं पहले समझाना चाहूंगा। प्लस इंपोर्टेड गुड्स पे और एक टैक्स लगता है जिसका नाम क्या कहा गया? आईजीएसटी। जिसका नाम क्या है बेटा? आईजीएसटी। अब देखो है आईजीएसटी ही, अब सवाल ये था कि ये इंपोर्टेड गुड्स पे जो आईजीएसटी लगाना है ये थ्रू आईजीएसटी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा या कस्टम्स लॉ के थ्रू? ना लेवी तो आईजीएसटी की होगी, नो डाउट, ये इंटरस्टेट माना जाएगा और आईजीएसटी भी लगेगा, पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास रखना है? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इंपोर्टेड गुड्स का एक सेपरेट एक्ट है और वो सेपरेट एक्ट जो है कस्टम्स एक्ट है, और अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से जीएसटी में लाए तो इसमें लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कस्टम एक्ट के भी कंप्लायंस करो और आईजीएसटी एक्ट के भी क्या कंप्लायंस करो, दो दो एक्ट के कंप्लायंस करने पड़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पे लगाया आईजीएसटी, पर ये कहा कि ये आईजीएसटी का पूरा कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म ये कौन से एक्ट के थ्रू किया जाएगा? कस्टम्स एक्ट के थ्रू किया जाएगा, आईजीएसटी एक्ट के थ्रू नहीं किया जाएगा। मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी भी कस्टम एक्ट के थ्रू लगेगी, अरे है ना, और आईजीएसटी भी किसके एक्ट के थ्रू लगेगा? मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम्स के थ्रू होगा। इसलिए यहां पे जब आप फाइनल लेवल पे कस्टम पढ़ोगे या सीएमए स्टूडेंट अभी कस्टम पढ़ेंगे तो इंपोर्ट करते वक्त आपको दो कस्टम ड्यूटी लगती है, एक कौन सा लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, और दूसरा आईजीएसटी, जिसको लिखना मत, जिसको हम कहते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी। क्या कहते हैं उसको? एडिशनल कस्टम। तो यहां पे एक काम करो, यहां पे प्लस एक वर्ड डालो, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इसको नाम दिया गया एडिशनल कस्टम ड्यूटी, है वो आईजीएसटी ही, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जिसको एसीडी कहा जाता है, वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में लगती है, एसीडी 37, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? आईजीएसटी, पर कस्टम्स में इसको एक नाम दिया गया और वो नाम दिया गया एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में लगती है। देन तो इंपोर्ट पे आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और आपको आईजीएसटी, कौन से नाम से आईजीएसटी देना पड़ेगा? एडिशनल। और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ करेगा या कस्टम लॉ ही करेगा? कस्टम लॉ ही करेगा, क्योंकि सारे कंप्लायंसेस कस्टम में ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये पढ़ लेता हूं, देखो, All imports are treated as, highlight करो, all imports are treated as क्या? Interstate supplies. And IGST is levied on imported goods in addition to applicable क्या? Customs duty, that is BCD.
इन एडिशन टू बीसीटी आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा. द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जब भी वर्ड इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा मतलब कौन सा टैक्स बेटा, आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स. फॉलो द प्रोविजन ऑफ क्या बेटा, कस्टम्स टैरिफ एक्ट एंड कलेक्टेड व्हेन कस्टम ड्यूटीज आर लेविड अंडर द कस्टम्स एक्ट, जिसको नाम दिया गया आईजीएसटी इक्वल्स टू कौन सा टैक्स बेटा, एसीडी. एसीडी मतलब एडिशनल कस्टम ड्यूटी 7. यानी बताओ यह पूरा कलेक्शन मैकेनिज्म जीएसटी लॉ से चलेगा या ये आईजीएसटी का पूरा कलेक्शन मैकेनिज्म कस्टम्स लॉ से चलेगा? हाँ, कस्टम्स लॉ से चलेगा. ठीक है, दिस टैक्स इज इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट. सर्टेन लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स में ऑल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी कंपेंसेशन सेस. ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, जीएसटी कंपेंसेशन सेस जिसको एसडी 39 कहा जाता है. बस आप अभी इतना ही समझ लो कि अगर कोई गुड्स इम्पोर्ट किया तो इम्पोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, और दूसरा आईजीएसटी जिसका नाम क्या है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो आपको लगेगा. ओके, और वो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इंपोर्टेड गुड्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के थ्रू होगा, कस्टम्स एक्ट के थ्रू होगा. देन ओके, फॉर एग्जाम पर्पस कीप इन प्रायोरिटी बी. ओके, बी में रखना. इसके ऊपर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए, एमसीक्यू ही पूछेंगे. ओके, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि ऑन इंपोर्टेड गुड्स अंडर विच एक्ट लेवी एंड कलेक्शन इज डन फॉर आईजीएसटी. बताओ फॉर इंपोर्टेड गुड्स अंडर विच एक्ट लेवी एंड कलेक्शन डन फॉर आईजीएसटी. कस्टम्स एक्ट के थ्रू कलेक्शन होगा, ये समझ में आया क्या? और वो कस्टम एक्ट के थ्रू ही पूरा कलेक्शन मैकेनिज्म किया जाएगा. चलो अब आगे आ जाओ, कब कहना, एक छोटा सा डिस्कशन, बाकी तो हम एक सेपरेट चैप्टर में देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई. मैंने ये पढ़ाया हुआ है, कब कहा जाता है इंट्रास्टेट? अरे कब कहा जाता है इंट्रास्टेट? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर, कुछ याद आया क्या, इन अ सेम स्टेट. जब सेम स्टेट में होगा तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रा. तो देखो, एज अ जनरल रूल व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर, इनवॉइस याद आ रहा है आपको, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इन द सेम स्टेट और यूटी, हाईलाइट करो, LOS और POS सेम स्टेट और यूटी में होगा, देन इट इज ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई. उसको कौन सा सप्लाई माना जाएगा, इंट्रा स्टेट. अच्छा, इंटर कब माना जाएगा फिर, ये लिखा के दिया हुआ भाई साहब, लिखा के दिया, कब बोला जाएगा इंटर? LOS मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आपका डेस्टिनेशन कहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आर इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूटी और स्टेट और यूटी, कुछ याद आ रहा है, ऐसा लिखा के दिया था मैंने, सब चीजें जो अभी पढ़ा रहा हूं सब चीजें हुई है, डिफरेंट स्टेट और यूटी. तो ऐसे केस में इट इज ट्रीटेड एज क्या बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई. इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा. तो ये था लेवी सेक्शन ऑफ, और वो लेवी था ओके, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5. चलो जितना भी पढ़ा एक चार्ट में प्रॉपरली समराइज करते हैं. रेडी? अब आपको क्या करना है, ये चैप्टर 2 और 3 के चार्ट्स, जो बड़े बड़े चार्ट है, नोट्स में मैंने हमारे रेगुलर मैट में ही जगह दी हुई है. आई रिपीट, मैंने क्या कहा, रेगुलर मैट में ही जगह दी, सिर्फ ये 2 चैप्टर, इसके आगे फिर आपको हर एक चार्ट बुक में जाना है, ठीक है, पर रेगुलर मैट में जगह दी है. क्यों यहाँ पे जगह दी है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो साथ साथ में कनेक्शन में आपका वो चार्ट भी वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है. एक बार आप स्टार्टिंग में हो गया कि फिर हम आगे के चार्ट्स किस में कवर करेंगे बेटा, चार्ट बुक में. इज इट क्लियर? ओके, तो चलो यहाँ पे चार्ट आपको, अब सब पहला सवाल कि सर वर्टिकल लेना है या हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल ऐसा आड़ा पेज ले लो, हॉरिजेंटल. ओके, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल ले लो, और आप नाम दो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी और सेक्शन 5(1) ऑफ क्या बेटा,
IGST एक्ट, ठीक है। नाउ मेक थ्री पार्ट्स, पहले पार्ट को ज्यादा जगह दो और सेकंड और थर्ड को कम भी दिया तो भी चलेगा। मेक थ्री पार्ट्स। सेक्शन 91 ऑफ CGST एंड सेक्शन 51 ऑफ क्या IGST, पेज नंबर 36 बेटा। ओके, जो ब्लैंक स्पेस है ओके, हॉरिजेंटल पेज लो, पेज नंबर 36, और आपको यहां पे लिखना है। इनिशियल स्टेज में चार्ट में थोड़ा हो सकता है कुछ स्टूडेंट को दिक्कत जाए, पर एक बार फ्लो में आने के बाद आप खुद ही ड्रॉ करने लगोगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो अब आपको ये तीन पार्ट में डिवाइड करना है, लेवी, कलेक्शन, लेवी कलेक्शन एंड थर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। एक काम करो, पहले ये लिख लेते हैं तो रिमेनिंग स्पेस हम यूज कर सकते हैं बाद में। तो कलेक्शन लिखो यहां पे, इन सच अ मैनर, कलेक्शन में लिखना, इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, यहां एक वर्ड लिखो, टैक्सेबल पर्सन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, यहां वर्ड लिखना का क्या बेटा, टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, यहां पे टैक्सेबल पर्सन। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ये स्पेस यूज कर सकते हो, ठीक है। लेवी, लेवी यहां पे फिर से थ्री पार्ट में डिवाइड होती है, लेवी ये फिर से थ्री पार्ट में डिवाइड होगी, जिसमें हम देखेंगे चार्ज किसके ऊपर है, वैल्यू क्या होगी और रेट क्या होगा। चार्ज, वैल्यू एंड रेट, चार्ज, वैल्यू एंड रेट, ठीक है। वैल्यू के नीचे लिखो, एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट, एक सवाल है सर, इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी और IGST बायर पे करेगा क्या? यस, जो इंपोर्ट करेगा वो पे करेगा। और रेट, अच्छा मैक्स रेट क्या बेटा, हाँ रेट मैक्स, हाँ CGST का मैक्स रेट, मैक्स 20%, SGST का मैक्स रेट 20%, और IGST का मैक्सिमम रेट, ये मैक्सिमम रेट है 40%, ये मैक्सिमम रेट है। डू इट फास्ट, मैं वेट नहीं करूंगा, ठीक है, मैक्सिमम 40%। अच्छा चलो आ जाओ, ये बताओ चार्ज किसके ऊपर है, GST किसके ऊपर लगता है बच्चों, GST किसके ऊपर लगता है बच्चों, इंट्रास्टेट
और क्या बेटा, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाईज, सप्लाईज ऑफ गुड्स और क्या बेटा, सर्विसेस, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई पे आपका लायबिलिटी क्रिएट होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस। ये समझ में आया क्या? नाउ बताओ सेक्शन में कौन से दो एक्सेप्शन दिए हैं? अरे बोलो कौन से दो एक्सेप्शंस दिए? पहला एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर, लीकर फॉर होम कंजम्पशन, और दूसरा अभी एक ऐड हुआ है कौन सा, अनडिनेचर्ड ईएनए एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट, कुछ याद आया क्या? तो अनडिनेचर्ड ईएनए और रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो अब यह रेक्टिफाइड स्पिरिट यहां पे, अनडिनेचर्ड ईएनए और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, यूज इन द क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लेवी होगा। और यहां लिखो सेक्शन 9(2). अच्छा, कौन से ऐसे, अब ये लास्ट टाइम बहुत ही रट्टा मार लिया हमने, कौन से ऐसे पांच प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा, जब जीएसटी आएगा, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये लास्ट, अरे आए ना, तो लिखो ऑन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ऑन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स जीएसटी इज लेवियबल ऑन रिकमेंडेशन, ऑफ जीएसटी काउंसिल, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, लिख सकते हो पांच? हाँ लिखो, एक बार ट्राई कर लो। अब किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो चुल्लू पर पानी लेके मुंह पर मारना जोरदार। ओके, पहला क्या आएगा बेटा? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड। दूसरा एचएसडी, मोटर स्पिरिट, अरे है ना, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो आप बताओ कितने प्रोडक्ट हो गए? 5 + 2 = 7 हो गए। ठीक है, 5 + 2 = 7 हो गए। चलो ये हो गया, और नीचे एक नोट लिखो, यहां जगह नहीं होगी तो बाजू में लिखो, सर बाजू में नहीं होगी तो मत लिखो, अरे है ना, तो यहां पे नोट लिखो, ऑन इंपोर्टेड गुड्स, स्पेशली मैं कह रहा हूं ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स क्या लेवी होगा? आईजीएसटी इक्वल्स टू एसीडी, एसीडी पता है ना क्या है, एसीडी 37 लेविड एंड कलेक्टेड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट, अंडर क्या, कस्टम्स टैरिफ एक्ट।
ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इक्वल्स टू IGST इक्वल्स टू ACDT क्या AC 37 लेविड एंड कलेक्टेड अंडर क्या कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो सर पेज नंबर 33 से लेके तो पेज नंबर 36 तक कितना याद रखना है बस इतना। अरे समझ में आया क्या? पेज नंबर 33 से लेके पेज नंबर 36 तक कितना याद रखना है तो बस इतना। चलो एक बार चार्ट। तो आपका लेवी सेक्शन तीन मतलब चार्जिंग सेक्शन तीन पार्ट में डिवाइड होगा कि पहले टैक्स कब आएगा करंट कब लगेगा। अरे है ना कब आप टच करोगे कि करंट लगेगा। अरे है ना जैसे ही करंट लगा करंट कब लगता है जीएसटी का। अरे जीएसटी का करंट कब लगता है जब इंडिया में कोई भी पर्सन इंडिया में जिस दिन इंटरस्टेट या क्या इंटरस्टेट सप्लाई कर देगा किसका गुड्स और सर्विसेज का उस दिन करंट लग जाएगा। तो अगर आपको किसी ने पूछा जीएसटी कब आता है करंट लगता है तब आता है। अरे है ना और करंट कब लगता है। अरे करंट कब लगता है जब इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 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 गुड सर्विसेज होगा। पर ये 7 केसेस में करंट नहीं लगेगा। अरे है ना और इंपोर्टेड गुड्स में थ्रू कस्टम्स एक्ट करंट लगेगा। ये समझा है नहीं समझा बस खत्म। अच्छा अगर आपके ऊपर लेवी हुई जैसे इनकम टैक्स में लेवी इनकम पे हुई फिर आपने इनकम को क्वांटिफाई किया इनकम फ्रॉम सैलरी कॉम्पिटेशन ऑफ इनकम। अरे है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर उसका कॉम्पिटेशन। तो अगर आपके ऊपर जीएसटी लगा तो वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू एज पर सेक्शन 15 होगी। अरे है ना यानी कितने वैल्यू पे जीएसटी लगा है तो एज पर सेक्शन 15। सर अगर जीएसटी करंट लगा तो करंट के लिए दो बहुत चीजें जरूरी है और वो है वैल्यू एंड रेट। रेट क्या होगा तो वो मैक्स 20% बट नोटिफाइड रेट कौन से 0.25। अरे है ना 3% 5% तो करंट लगेगा उसकी वैल्यू निकाली जाएगी उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। अरे है ना फिर गवर्नमेंट कलेक्ट कैसे करेगी। अब ये जो टैक्स तो निकल गया गवर्नमेंट कलेक्ट कैसे करेगी इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब। और टैक्स कौन देगा गवर्नमेंट को टैक्सेबल पर्सन। ये तो भाई साहब स्टार्ट है एक एक पार्ट के लिए एक एक चैप्टर है। ये समझ में आया क्या एक एक ये तो चार्ज क्रिएट हुआ है एक एक पार्ट के लिए एक एक चैप्टर। आगे आगे देखो आई होप यू अंडरस्टूड। तो सर अगर हम एग्जाम में इतना ही पढ़ ले तो हमारा क्या ये चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर 2। यस बस इतना ही चार्ट पढ़ लो चैप्टर 2 इज ओवर। ये समझ में आया क्या। अब आते हैं किस पे बेटा तो सर फिर आपने डायरी की चार्ट ही क्यों नहीं पढ़ा दिया। नहीं ऐसे हो रहा है कि जब कोई इनकम टैक्स के साथ जीएसटी पढ़ाता है और फैकल्टी सेम है तो वो जीएसटी फटाफट उड़ा देता है। नहीं मैं आपको पहले एक्ट पढ़ना सिखाऊंगा जो फाइनल लेवल पे बहुत काम का है और फिर उसको समराइज करूंगा। नो डाउट समराइज तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे। ओके तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ ले तो आखिरी में ले तो आज चलिए नाउ
आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. प्लीज 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 इधर ध्यान दो. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में हम बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, और मेन जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 8. ओके, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, और इसमें हम पढ़ने वाले सप्लाई एंड कंपोजिट और मिक्स सप्लाई. ओके, आपके इसमें मैंने थोड़ा टाइट इंडेक्स चेंज करके दिया है. अरे है ना नोट्स में. ओके, मेरे पास अभी ये जो आपके बैच की पीडीएफ अभी मेरे पास डाउनलोड नहीं हुई है, इसलिए मैं लास्ट बैच का इंडेक्स यहाँ रेफर कर रहा हूँ. ठीक है, तो अरे हाँ यार रुक जा थोड़ा दो मिनट. तो हम इसमें दो सेक्शन मेनली देखने वाले हैं, और वो है सेक्शन 7 और दूसरा सेक्शन 8. चलो नेक्स्ट पेज पे आते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, और इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बाद यहाँ पे हम सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. सप्लाई यानी क्या, और ये अराउंड 30-40 पेजेस का चैप्टर हम चार्ट में 3 पेजेस में लेने वाले हैं. अरे हाँ, तो सर वो 3 पेजेस पढ़ लिए तो हो गया? हाँ हो गया. अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ हो गया, पर पहले वो 3 पेजेस को समझने के लिए आपको ये 40 पेजेस समझने पड़ेंगे. समझ में आया? तो चलिए, तो यहां पे सबसे पहला बातें. अब देखो क्या है ना, मैंने कल आपको बताया था कि गवर्नमेंट कितना भी चाहे टैक्स इवेजन को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है. क्यों चैलेंजिंग होता है? क्योंकि उनके ऑफिसर ही इन्वॉल्व होते हैं. ये ऑफिसर का ध्यान नहीं होता है. ये मेरे दो ऑफिसर, तुम इतनी बातें कर रहे हो तो भी इनका ध्यान नहीं है. हाँ तो पकड़ो कोई कौन बात कर रहा है यहां पे. तो ओके, तो साइलेंट प्लीज. सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन. पर्सन की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स में है उसको बेस लिया गया. आपका इनकम टैक्स में हो गया होगा, या आपने इनकम टैक्स नहीं किया होगा तो हो जाएगा. अरे आया ना, इसलिए मैं ये डेफिनेशन को ज्यादा स्ट्रेच करने वाला नहीं हूं. ठीक है, पर्सन में इंडिविजुअल, अगर इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल है और उसको करंट लगता है तो वो भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा. करंट कब लगता है? अरे बोलो ना, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई. ठीक है, मैंने कल एक बात कही थी आपको कि 20 लाख तक थ्रेशोल्ड दिया है. कुछ याद आ रहा है? 20 लाख तक थ्रेशोल्ड दिया है. तो अब ऐसा करना कि भाई जब 20 लाख तक कर तो ठीक है, 20 लाख के बाद अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है और सप्लाई कर रहा है तो वो केस में उसका भी जीएसटी लगाया जाएगा. दूसरा, पर्सन की डेफिनेशन में एचयूएफ आएगा. सर हमारी एचयूएफ है और हमारा बिजनेस एचयूएफ के अंडर में है. एचयूएफ मतलब जिसका इनकम टैक्स हुआ वो तो कुछ कहे. ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो सर एचयूएफ के अंडर में हम बिजनेस बता रहे हैं, सेल परचेस बता रहे हैं, तो क्या एचयूएफ पर भी जीएसटी आएगा? हाँ, एचयूएफ पर भी जीएसटी आएगा. तीसरा, कंपनी फर्म. ओके, यह फर्म मतलब कौन सा बेटा? पार्टनरशिप फर्म, लिख दो वहां पे. फर्म यहां मतलब पार्टनरशिप फर्म. अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी तो पार्टनरशिप फर्म पर भी जीएसटी लगाया जाएगा. नेक्स्ट, एलएलपी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होगी, एलएलपी होगी, तो एलएलपी जो है उस पर भी जीएसटी आएगा. एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी, कभी नाम सुना है एओपी? या बॉडी ऑफ क्या? इंडिविजुअल, बीओआई. अच्छा आगे तो क्या कहते, देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. मतलब क्या, अगर बाहर का कोई एओपी है और वो इंडिया में सप्लाई कर रहा है, आई रिपीट, क्या इंडिया में सप्लाई कर रहा है तो टैक्स तो वहां पे भी लगेगा, बट वो ठीक है रिवर्स चार्ज होगा, पर टैक्स तो वहां पे भी लगेगा. वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा. एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, प्रोविंस एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी और अ गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट. हो गया क्या सेक्शन 245? ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45
कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है, ओके, तो यहाँ पे वो ही पर्सन माना जाएगा. बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब स्कोप यहां तक नहीं कि इंडिया में, आउटसाइड इंडिया भी होगा तो भी कवर कर लिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सप्लाई इज मेड इन इंडिया. आई रिपीट, सप्लाई इज मेड इन इंडिया. कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी या मतलब बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, साखर अरे है ना, ओके, वो भी अगर सप्लाई करती है क्यों ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन पर भी जीएसटी लगाया जाएगा. ओके, उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये भी अगर कोई सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस का तो उन पर भी जीएसटी लगाया जा सकता है. अरे यस और नो. उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट खुद के ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी लगाएगी. आई रिपीट द वर्ड, गवर्नमेंट खुद के ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी लगाएगी. अगर उन्होंने गुड्स का सप्लाई किया, अगर गवर्नमेंट ने सर्विस का सप्लाई किया तो गवर्नमेंट खुद के ट्रांजेक्शन पर भी जीएसटी लगाएगी. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, जैसा इंडियन रेलवे गवर्नमेंट है, सर्विसेज पैसेंजर को प्रोवाइड कर रही है, एसी क्लास की टिकट है, जीएसटी आता है. अरे है ना, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट है, फर्स्ट क्लास की टिकट है, एसी एसी क्लास या फर्स्ट क्लास होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा. तो गवर्नमेंट खुद के सर्विस पे जीएसटी लगाएगी. सर ऐसा क्यों करती गवर्नमेंट खुद के सर्विस पे? क्योंकि गवर्नमेंट को बर्डन पास ऑन ही करना है. अरे आया ना, ओके, अल्टीमेट ये टैक्स गवर्नमेंट थोड़ी बेयर कर रही है, ये टैक्स अल्टीमेट कस्टमर बेयर कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. तो गवर्नमेंट भी जीएसटी के स्कोप में आता है. उसके बाद में सोसाइटी होगी, ओके, सोसाइटी भी जीएसटी के स्कोप में आता है. यानी ये हाउसिंग सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल सोसाइटीज, और ये सोसाइटी आपको मेंबरशिप फीस चार्ज कर रही है, सर्विस है, ओके, या फिर जैसे यहाँ पे ये हमारी कमर्शियल सोसाइटी क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए चार्जेस लेती है, ओके, वॉल पे एडवर्टाइजमेंट के. अरे आया ना, तो क्या उस पर भी जीएसटी आएगा? हाँ, सोसाइटी क्यों ना, सोसाइटी अगर गुड्स का सप्लाई करती है, सोसाइटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उस पर भी जीएसटी लगाया जाए. जब हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं सोसाइटी में दीवार पे हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए, ओके, तो हमको जीएसटी लग के आता है, यस और नो? उसके बाद में ट्रस्ट होगा, बी केयरफुल, वो इनकम टैक्स बाजू में रखो, मुझे उससे कोई लेना देना अभी फिलहाल तो नहीं है. अगर कोई ट्रस्ट ने करंट लगा, करंट कब लगा? जब चार्जिंग इवेंट हुआ, अरे है ना, तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा. और लास्ट में तो कहते हैं एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ओके, नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द अबव, या इसके अलावा और कोई पर्सन डेवलप हो जाए एक्ट में तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा जब भी करंट लगेगा. तो सर क्या ये डेफिनेशन लर्न करना है? नहीं, ओके, कीप इन प्रायोरिटी, बस रीड करना है, कीप इन प्रायोरिटी बी और रीड करना है. आपको ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर आपके नॉलेज में ये होना चाहिए. एक लाइन में कहो क्या, कोई भी लीगल एंटिटी होगी, कम ऑन, कोई भी लीगल एंटिटी होगी या इंडिविजुअल होगा और वो अगर सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज का तो सभी पे जीएसटी लगाया जाएगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन पास ऑन, कोई ये इनकम टैक्स नहीं है कि ट्रस्ट को बचा लो. अरे आया ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है. तो ऐसे केस में ये पर्सन की डेफिनेशन में आएगा. बस इतना ही बेटा, लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीड कर लेना डेफिनेशन ऑफ पर्सन. अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट है डिस्टिंक्ट पर्सन. यहां पे लिख दो आगे, डिस्टिंक्ट पर्सन को ये बोला जाता है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन. आगे लिख दो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, डीडीपी, डीम डिस्टिंग पर्सन, और क्या डीडीपी. डीडीपी, डीम डिस्टिंग पर्सन. चलिए अब बेटा यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को ऐसा समझो कि जीएसटी में, जीएसटी पे करने के लिए और स्पेशली आफ्टर थ्रेशोल्ड, आफ्टर थ्रेशोल्ड मतलब कितना थ्रेशोल्ड है, कल बताया ना 20 लाख का जनरल थ्रेशोल्ड है, ठीक है,
जीएसटी में आपको लेना पड़ता है क्या बेटा, रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए, इधर की उधर हो जाए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल तो सिर्फ ट्रेलर था। अरे हायरा, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो यह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपको समझ लो मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ। कौन सी वेबसाइट? www.gst.gov.in। डन? अरे भाई साहब पहुंच गया है। हाँ के यह है जीएसटी पोर्टल। ओके, यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए तो यहाँ लॉगिन होता है, अरे है ना। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होगे तो यहाँ क्लिक करना पड़ता है और क्या स्टार्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो पहला आता है न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी टीआर, नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। सर ये बाकी क्या होता है टीआरएन, समझा होगा? ये अभी सिर्फ स्टार्ट है, मुझे टाइम देना, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में पहले आप सिलेक्ट करोगे एज अ टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, बाकी सब बाद में। मैं एज अ क्या? टैक्स पेयर। कौन से स्टेट में रहता हूं? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से स्टेट में रहता हूं? जो भी मैं, जो भी आप स्टेट के होगे, जाकर रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा। कौन सा? महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या? पुणे। जो भी मैं, अब देखो डिस्ट्रिक्ट लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, जैसे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस जैसा है, बहुत सी बार इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी होता है, अरे है ना, तो उसके बिजनेस का एक नाम भी होता है, दिस एंटरप्राइजेस, दैट एंटरप्राइजेस, ठीक है, वो नाम दो। और अब मैं नेक्स्ट बात पे आऊंगा और वो है आपका पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। जब तक आपका पैन ना हो, आई रिपीट, जब तक आपका पैन ना हो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो पैन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पैन मतलब जो इनकम टैक्स में, फिर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो चेकसम कैरेक्टर डाल के रजिस्ट्रेशन, ये पहला पार्ट। फिर ऐसे अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक एक इंफॉर्मेशन, जैसे क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है और उसकी एक एक इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा कैसे फिलअप होती है। अरे यस और नो? ओके, अभी बस इतना समझ लो कि रजिस्ट्रेशन आप पोर्टल पे कर रहे हो और आपका रजिस्ट्रेशन चालू है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, स्टेट भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है क्या? जीएसटी। जीएसटी मतलब, जीएसटी मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन लेमैन लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन नंबर, इन लेमैन लैंग्वेज क्या? पर आप लेमैन नहीं रहे, आप मेरा क्लास कर रहे हो, अरे है ना, तो आप लेमैन रहे या तो हाँ स्मार्ट बन रहे हो, स्मार्ट। हाँ ओके, वी स्मार्ट। वी का मतलब एक विजन है आपके पास, एक वैल्यू है आपके पास, अरे है ना। तो जहां तक देखा जाए तो ये जीएसटी ना आता है। जीएसटी में एक बार अच्छे समझ लो, पहले दो कोड जो होते हैं इसमें, पहले जो दो कोड होते हैं ये आपका स्टेट कोड होता है। अगर आप महाराष्ट्र में ले रहे हो तो महाराष्ट्र का स्टेट कोड क्या है? 27। गुजरात में होगा तो गुजरात का स्टेट कोड रहेगा, यस और नो? उसके बाद में आपका होता है क्या बेटा? पैन, ठीक है। उसके बाद में होता है एंटिटी कोड, मतलब आप अगर इंडिविजुअल होगा, आप HUF होगे, आप गवर्नमेंट होगे, आप सोसाइटी होगे, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी होगे, तो सबको एक कोड दिया हुआ है, वो कोड, समझ में आया क्या? और बाद में होता है ये चेकसम नंबर, आई रिपीट, ये क्या होते हैं बेटा? चेकसम नंबर। ओके, तो ये आपके चेकसम नंबर होते हैं, ये बदलते रहते हैं चेकसम नंबर। ओके, तो इसका रिलेवेंस क्या है आगे बताओगा। तो ऐसे केस में ये आपका जीएसटी मिलता है। ओके, तो जीएसटी आपका 10+2 12+2 14+1 2 3, यानी चेकसम नंबर कभी 3 को कोड का होगा, कभी यहाँ पे ओके ब्रांच वाइज चेंज होते रहेगा, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ये यह हमने देखा आपको जो रजिस्ट्रेशन मिल रहा है,
अब मैं आपके सामने कुछ प्रपोजल रखता हूँ और आप ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग मेरे सामने चालू है, सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कुछ जीएसटी की पॉलिसीज फिक्स करनी है, क्या आप रेडी हो? सर ओके ब्रेक दे दो फिर रेडी है, ठीक है ब्रेक दे दो फिर रेडी है, तो रुक जाओ पहले प्रपोजल सुन लो फिर फाइनल करेंगे ब्रेक के। अब प्रपोजल क्या है? ओके अब प्रपोजल क्या है फिर ब्रेक के बाद फाइनल करेंगे। सैमसंग कंपनी है, कंपनी एक ही है, कंपनी का एक ही पैन है, आई रिपीट कंपनी का एक ही पैन है, पर इनकी एक फैक्ट्री यहां पे महाराष्ट्र में है, दूसरी फैक्ट्री एमपी में है, तीसरी फैक्ट्री कहां? राजस्थान में है, और चौथी कहां? चंडीगढ़। सर ये लिखना है क्या? नहीं ओके नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट कंक्लूड होने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। बाद में मैंने नोट्स में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी है, अरे है ना, तो अब यहां पे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। हाँ किसको स्क्रिबल करना है तो कर सकता है। अब यहां पे महाराष्ट्र में मेरी एक फैक्ट्री है और एचओ महाराष्ट्र में भी है, एचओ मतलब हेड ऑफिस महाराष्ट्र में, ठीक है। अब मुझे बताओ ये महाराष्ट्र की जो फैक्ट्री F1 है सैमसंग की, ये अगर महाराष्ट्र में इंट्रा करेगी, आई रिपीट महाराष्ट्र में इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST और SGST। ये SGST रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट का? ये SGST रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट का? महाराष्ट्र। याद है क्लियर? मुझे नेक्स्ट आपसे पूछना है MP, MP में फैक्ट्री और वो भी इंट्रा कर रही है, तो यहां पे CGST और SGST, उसके बाद में राजस्थान में भी CGST और SGST, और चंडीगढ़ में क्या लगेगा? हाँ चंडीगढ़ में इंट्रा होगा तो CGST एंड UTGST। अब ये चारों फैक्ट, अब एक सवाल पूछता हूं, जो ये चारों फैक्ट्रीज है अंडर सेम पैन, अंडर क्या? सेम पैन, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अलग अलग बनती है या पूरे कंपनी का एक ही बनता है? है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे कंपनी का एक ही बनता है? एक ही बनता है बेटा, नहीं वो डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंटिंग अलग होगी ओके, पर कंपनी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे है ना, कंपनी की एक बैलेंस शीट। कैसे शेयर खरीदोगे बेटा? शेयर जब देखते हो तो कंपनी की बैलेंस शीट पूरे इंडिया का बिजनेस के एक ही बैलेंस शीट होती है, अरे है ना, पूरे इंडिया के बिजनेस का एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो ही जाके शेयर खरीदोगे ना, नालायक ओके। क्योंकि फैक्ट्री वाइज शेयर मिल थोड़ी है आपको, ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में एक ही, और अच्छा इनकम टैक्स में टैक्स कैसे दिया जाएगा? फैक्ट्री वाइज दिया जाएगा या कंपनी का टैक्स दिया जाएगा? हाँ क्योंकि कंपनी का एक ही पैन है, ये सब्सिडरीज नहीं है, अरे है ना, दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्रीज अंडर वन कंपनी, इज इट क्लियर? तो एक ही पैन रहेगा कंपनी का, एक ही पूरा कंपनी का प्रॉफिट जो रहेगा उस पर क्या दिया जाएगा? इनकम टैक्स। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर? तो अब मेरा क्या सवाल है, ये चारों फैक्ट्री का हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है ओके, माइक प्लीज माइक थोड़ा अरेंज करके रखना ओके, यहां पे चारों फैक्ट्रीज का हेड ऑफिस कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो मुझे ये बताइए कि अगर चारों फैक्ट्रीज का हेड ऑफिस महाराष्ट्र में, कंपनी ये डिसीजन ले रही है कि जो भी सेल राजस्थान में हुआ, जो भी सेल चंडीगढ़ में हुआ, जो भी सेल एमपी में हुआ, सबका टैक्स महाराष्ट्र से ही देंगे और हम एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे जीएसटी में, और एक रजिस्ट्रेशन में सबका टैक्स महाराष्ट्र का CGST और महाराष्ट्र का SGST। अरे आया ना, क्या वो ऐसा कर सकती है? देखते हैं ब्रेक के बाद। चलो देखते हैं यहां पे ब्रेक के बाद, आ जाओ फटाफट।
सौरव या जो भी स्टूडेंट को अभी तक लॉगिन नहीं हो पा रहा है, फिर से मैं कहता हूँ कि अपना क्लास के एंड में ऑर्डर आईडी दीजिएगा, मेरी टीम कनेक्टेड रहेगी। लास्ट के 10 मिनट्स अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम फॉर कॉल जो यूट्यूब पे है बेटा, स्पेशली जो यहाँ पे यूट्यूब पे है।
वेल सो चलो चलो फटाफट असेंबल कर लो अपने आप को, फटाफट यहाँ पे इधर ध्यान दो. आर यू रेडी? तो चलिए. हाँ, तो मेरा एक सवाल है सभी से और सभी फाइनेंस मिनिस्टर जो ये जीएसटी काउंसिल में आए हुए हैं, एक सवाल पूछना चाहूंगा. क्या हम ऐसा कर सकते हैं जीएसटी में, या क्या हम जीएसटी लॉ ऐसा बनाए कि सारे स्टेट का रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट में कर दे? मतलब सारे स्टेट के सप्लाई का रजिस्ट्रेशन क्या महाराष्ट्र में कर दे और पूरा टैक्स कहां से पे करे? महाराष्ट्र. तो क्या इस पे, हाँ, हमें जीएसटी की पॉलिसी बनानी है तो मुझे ये बताओ क्या ये सही रहेगा कि जो भी पूरे इंडिया में जितना भी सेल होगा तो पूरा का पूरा पेमेंट महाराष्ट्र से और पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पर एक ही रजिस्ट्रेशन करे और महाराष्ट्र का करे, ऐसा सही रहेगा? कौन ये फेवर में कि यस ऐसा सही रहेगा? एक ही रजिस्ट्रेशन, सिंगल रजिस्ट्रेशन. अच्छा, कौन ये फेवर में है कि यहाँ पे नहीं सर सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन. ओके भाई साहब दे उधर माइक कोई. ओके सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्यों? ओके क्यों सेपरेट रजिस्ट्रेशन दे, किसी को भी दे, जिसमें हिम्मत होगी वो जवाब देगा. हाँ, टाइम पास मत करो, फटाफट दो. यस बेटा बोलो. सर जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और जहां पर प्रोड्यूस होगा उस स्टेट के वो हमें बेनिफिट देना चाहिए. सप्लाई होगा. हाँ, जहां पर सप्लाई होगा. जहां पे सप्लाई होगा वही. बिल्कुल बेटा, ये बेसिक लॉजिक है. हाँ. हम ऑलरेडी देख चुके हैं जीएसटी इज क्या डेस्टी. मुझे ये बताओ अगर एमपी का सीजीएसटी और एजीएसटी महाराष्ट्र से पे हुआ और पे उसका पैसा महाराष्ट्र को दिया तो एमपी वाले चिल्लाएंगे हमारा कुछ नहीं क्या? अने ओके सेल हमारे यहाँ कर रहे हो, हमारे डेस्टिनेशन पे सप्लाई कर रहे हो और टैक्स किसको दे रहे हो? महाराष्ट्र टैक्स लेगी. वाह, मुर्गी हमारी. अरे तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए, तो जहां तक देखा जाए तो ऐसे सिंपल वर्ड में जहां तक देखा जाए वो स्टेट वाला चिल्लाएगा कि मेरा टैक्स मेरे स्टेट में सप्लाई हुआ मुझे चाहिए, मेरा टैक्स मेरे स्टेट में सप्लाई हुआ मुझे चाहिए. राजस्थान ये यूनियन टेरिटरी अपना टैक्स लेगी क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ऑब्वियस है. तो हम अभी जीएसटी की पॉलिसी देखेंगे कि भाई नहीं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो स्टेट का टैक्स उसी स्टेट से पे होगा. अरे यस और नो? तो यस ऑनलाइन स्टूडेंट आपका क्या कहना है फटाफट बताओ, क्या आप ये बात को मानते हो कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और रिस्पेक्टिव स्टेट से ही टैक्स पे करना चाहिए? ओके यस और नो? तो ठीक है, अब रिस्पेक्टिव स्टेट से टैक्स पे होना चाहिए. तो अब ठीक है, एमपी का टैक्स एमपी देगा, राजस्थान का टैक्स जो है वो राजस्थान में दिया जाएगा, ये इस चीज को मान से. पर ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन हम सिर्फ महाराष्ट्र में करवाते हैं तो स्टेट वाले नहीं माने. स्टेट वाले ने कहा भाई हमारे यहां बंदा अगर सप्लाई कर रहा है तो इसका पूरा डेटा हमको चाहिए. अरे है ना, यानी ये बंदा अगर एमपी में है और एमपी से सप्लाई कर रहा है तो ये फैक्ट्री का सारा डेटा किसको चाहिए? एमपी को चाहिए. अगर ये राजस्थान से सप्लाई कर रहा है तो इसका पूरा डेटा, क्योंकि उसका टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी. तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि जीएसटी में सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं, क्या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो गए. अरे है ना, जीएसटी में क्या मल्टीपल. ओके, तो अगर आपका यहां पे एक वर्ड पिक्चर में आ रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने क्या कहा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका महाराष्ट्र में है तो उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में होगा. यस और नो? अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस एमपी में है तो उसका रजिस्ट्रेशन एमपी में होगा. ओके, राजस्थान तो राजस्थान या यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी में, यानी जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. और इसमें होगा क्या होगा, और ये रजिस्ट्रेशन पैन बेस ही रहेगा, पैन तो एक ही है. तो ये रजिस्ट्रेशन जो पैन बेस रहेगा, तो जो हमने यहां पर लिया था कि आपका सिर्फ पहले दो डिजिट बदलते जाएंगे, पहले दो डिजिट आपको याद है स्टेट कोड होता है, फिर क्या होता है पैन, फिर क्या होता है एंटिटी कोड. ओके, उसके बाद में चेकसम नंबर. अरे यस और नो? तो पैन तो वही रहेगा, इस पैन के तहत महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन,
इस पैन के तहत एमपी में रजिस्ट्रेशन, अरे आया ना, इस पैन के तहत कहां, राजस्थान और चंडीगढ़ में, जितने स्टेट्स में आपके प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, अगर आपके 31 स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस होगा और 5 यूटी में प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो आपके जीएसटी के 36 रजिस्ट्रेशन हो गए। अरे समझा नहीं समझा, आपके जीएसटी के क्या, तो सेपरेट, मेरे साथ सभी बोलेंगे, सेपरेट रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज इज मैंडेटरी, स्टेट वाइज इज मैंडेटरी, वो लेना ही पड़ेगा। यानी आपका पैन एक ही होगा, पैन एक ही होगा, पर आपको अगर पूरे इंडिया में आप बिजनेस कर रहे होगे तो आपको 36 रजिस्ट्रेशन संभालने पड़ेंगे जीएसटी के। ये समझ में आया, जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पे या सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है, समझ में आया होगा तो फटाफट वाई टाइप कीजिएगा, ओके वाई। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका सेपरेट होगा। इन सिंपल वर्ड, यहाँ पे महाराष्ट्र का अलग होगा, एमपी का अलग होगा, उसके बाद में चंडीगढ़ का और राजस्थान का भी रजिस्ट्रेशन आपका अलग किया जाएगा। पैन वही रहेगा, उस पैन पे सिर्फ स्टेट कोड बदलते जाएंगे और आखिरी के चेकसम नंबर बदलेंगे। आई रिपीट सबने जाएंगे, आखिरी के चेकसम नंबर बदलेंगे, पैन वही रहेगा, एंटिटी कोड वही रहेगा, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, अभी तो प्राइवेट है, अरे ये सर ना, तो एंटिटी कोड वही रहेगा। चलो डन, आपके रजिस्ट्रेशन अलग है और ये आपने सेपरेट। अब एक फॉर्म होता है जीएसटी में, वो फॉर्म के बारे में बात करेंगे, और वो फॉर्म है ओके, यहाँ पे मेरे पास दो मिनट देख लेता हूँ, फॉर्मेट होगा तो फॉर्मेट लेता हूँ, अदरवाइज मैं हम ड्रॉ करके आपको समझाता। अच्छा, ये डायग्राम ड्रॉ करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ गया। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज क्या मैंडेटरी है, आया ना, कहाँ गया फॉर्मेट, क्या है। चलिए अब मैं थोड़ा ये फॉर्मेट से आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब बेटा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पूरा मैकेनिज्म कैसा होता है समझ लो। ये सप्लायर है, सप्लायर के परचेसेस इनवॉइस इन अ मंथ, इन अ मंथ वर्ड समझा क्या आपको, तो ये उसके अलग अलग परचेस इनवॉइस है और वो परचेस इनवॉइस इन अ मंथ अलग अलग सप्लायर से उसने परचेस किया है। ये परचेसेस पे जो भी जीएसटी लग के आया होगा उसका उसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी। वन टू वन कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी, मे बी गुड्स का होगा, मे बी सर्विस का होगा, मे बी कैपिटल गुड्स का होगा, अरे है ना, जो भी इस मंथ में परचेसेस किए गए उसका उसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी, अलग अलग सप्लायर से परचेस किया होगा। अब ये आगे बेच भी रहा है, सप्लाई कर रहा है, अगर ये आगे सप्लाई कर रहा है, पहले कस्टमर को सेल किया, दूसरे कस्टमर को सेल किया, अलग अलग कस्टमर है, तो लॉ क्या कहता है, जो भी ये आउटवर्ड सप्लाई करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ये आउटवर्ड सप्लाई करेगा इन अ मंथ, मतलब जो भी यहां पे सेल वगैरह होगा मंथ में, ले लेते अप्रैल मंथ, अप्रैल में, तो इनको जितना भी सेल हुआ है, सप्लाई हुआ है, उसका डेटा इनवॉइस नंबर के साथ एक्सेल में बना के, यानी एक्सेल में क्या जाएगा, जैसा पहला सेल हुआ, ट्रांजेक्शन पहला हुआ, ओके समझ लो सेलर 20 वाट है पुणे, बायर स्टूडेंट है यश है, अरे है ना, तो यहां पे मैं उसको ट्रेनिंग कोचिंग, पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब ये जो है, ये अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी है, आई रिपीट द वर्ड क्या, बी टू बी है, तो एक्सेल बनेगी, एक्सेल में ओके इनवॉइस नंबर, एक एक इनवॉइस अपडेट होगा, इनवॉइस नंबर, उसके बाद में सप्लायर, सप्लायर का जीएसटीन, बायर, बायर का जीएसटीन, अरे आया ना, सप्लायर ओके, फिर नेक्स्ट कॉलम एक्सेल में सप्लायर का जीएसटीन, बायर, बायर का जीएसटीन, सब डेटा अपडेट होगा,
ये समझा नहीं समझा? फिर ओके डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस एचएसएन क्या है? ओके एचएसएन मतलब कोड उसका और उसकी वैल्यू और उसके जीएसटी लायबिलिटी, ये सारा ओके एक रो खत्म हो गई पहले कस्टमर की। फिर दूसरी रो बनेगी जितने भी उसके बी टू बी और बी टू सी ट्रांजेक्शन है, ये सारे ट्रांजेक्शन का एक एक्सेल बनेगा। ओके और ये जो भी उसने माल बेचा है, कितना बिजनेस किया है, इसका उसको मंथली बेसिस पे एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। बोलो मेरे साथ क्या? तो जितना उसने फाइल किया ओके और वो स्टेटमेंट जाता है जीएसटीआर वन। आई रिपीट क्या? तो जीएसटीआर वन स्टेटमेंट क्या है? ओके जीएसटी आर वन। ओके तो ये स्टेटमेंट ऑफ क्या? आउटवर्ड। एक एक्सेल में हमको पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और वो www.gst.gov में जाके हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जीएसटीआर वन ओपन करना पड़ता है और जीएसटीआर वन में वो एक्सेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अरे आया ना, वो एक्सेल क्या डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको कहा जाता है जीएसटीआर वन। और ये जीएसटीआर वन अगले महीने के 11 तारीख तक यानी 11th ऑफ क्या मे तक आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है कि इतना बिजनेस हमने किया इस मंथ में। ये समझ में आया क्या? अच्छा मैं टैक्स दे रहा हूं या सिर्फ स्टेटमेंट अपडेट कर रहा हूं? टैक्स नहीं दे रहा हूं, कम ऑन, मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ क्या अपडेट कर रहा हूं? स्टेटमेंट कि मैंने क्या क्या सप्लाई किया इस मंथ में इनवॉइस नंबर के साथ। आई रिपीट, मैंने क्या कहा? इनवॉइस नंबर के साथ विथ जीएसटी ऑफ सप्लायर विथ जीएसटी ऑफ बायर। और अगर बी टू सी होगा तो जीएसटी बायर का नहीं रहेगा। ओके तो वो केस में भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, सिर्फ बायर का जीएसटी नहीं होगा। अरे यस और नो? तो नाउ अब यहां पे ये 11th मई को जाने के बाद गवर्नमेंट के पास डेटा आ गया। अब आपको आपको ही जीएसटी आर वन फाइल करने के बाद अगले में मतलब 20th मई को आई रिपीट द वर्ड क्या 20th मई को आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपके। अब सर 20th मई को क्या कैलकुलेशन करने पड़ेंगे? तो 20th मई को टोटल आउटपुट टैक्स, आई रिपीट द वर्ड क्या, टोटल आउटपुट टैक्स जो भी होगा, समझ लो आपका टोटल आउटपुट टैक्स इस वन का जितने भी इनवॉइस हुए जो आपने जीएसटीआर वन में अपडेट किए, आई रिपीट जो आपने जीएसटीआर वन में अपडेट किए उसका टोटल टैक्स बनता है समझ लो 50 लाख। कितना बन रहा है उसका? 50 लाख टैक्स बन रहा है। लेस क्या बेटा? आईटीसी। आईटीसी क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपकी परचेसेस भी है? अरे हाया ना, तो ये परचेसेस जो आपकी हुई है, सुनना ध्यान से, ये आपकी जो परचेसेस हुई है ये परचेसेस समझ लो 30 लाख की है। आई रिपीट क्या कहा मैंने? 30 लाख का जीएसटी है, जीएसटी यानी ये टैक्स है। तो आपको नेट कितना देना पड़ेगा? 20 लाख। नेट कितना देना पड़ेगा? 20 लाख। और ये पेमेंट नेट 20 लाख कब पे करना पड़ेगा? अगले महीने के 20 तारीख को। ये समझ में आया क्या? अगले महीने के 20। तो ये 11th डे किसका है? एक बार रिवीजन, 11th डे किसका है? ये पेमेंट का है या आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट का है, जिसको नाम क्या दिया गया? जीएसटीआर वन। इसके आगे किसी को कंफ्यूजन नहीं? क्लियर? उस कॉर्नर से प्लस ऑनलाइन, अरे है ना? ओके तो यहां क्लियर। ये गवर्नमेंट को पहले बताओ कि कितना बिजनेस किया, कितना धंधा किया। अरे आया ना, पूरा बताओ। गवर्नमेंट को डेटा भेजो पहले, और गवर्नमेंट को कौन से पोर्टल पे? जीएसटीआर वन के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे। अरे आया ना। और फिर 20 तारीख को आप अपना नेट कैलकुलेशन करो। ओके आईटीसी पर मुझे बताओ, इतने सारे रजिस्टर्ड सप्लायर है इंडिया में, बहुत सारे टैक्स पेयर है जीएसटी के, हर टैक्स पेयर कितना क्रेडिट ले रहा है ये गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? आपने अपना क्रेडिट ले लिया परचेस के बेस पर, अरे है ना, पर हर टैक्स पर कितना क्रेडिट ले रहा है ये गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है? ओके तो ये जो आपने कैलकुलेशन किया, ये सारा कैलकुलेशन एक फॉर्म में बताना पड़ता है, और वो फॉर्म होता है GSTR 3B। क्या कहा मैंने? GSTR 3B, जिसको कहते हैं जीएसटी रिटर्न।
जिसको क्या कहते हैं जीएसटी रिटर्न। एक मिनट, जीएसटीआर वन रिटर्न नहीं है, जीएसटीआर वन रिटर्न है या स्टेटमेंट है? और ये स्टेटमेंट किसका है? आउटवर्ड सप्लाई का है। लेकिन फिर आपको और एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि आपका टैक्स कितना था, आपने क्रेडिट कितना लिया, कितना एग्जम सप्लाई था, कितना टैक्सेबल सप्लाई था। 3B की सारी चीजें पढ़ा होगा अभी ब्रॉड सेंस में, अभी ब्रॉड सेंस में। तो ये जो जीएसटीआर 3B होता है बेटा, ये होता है कि आपने अपना नेट कैलकुलेशन कैसे किया आफ्टर टेकिंग आईटीसी। अरे यस और नो, आफ्टर टेकिंग आईटीसी, और उसका एक फाइनल रिटर्न जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। नाम सुना है? वैसा ये जीएसटी का रिटर्न है, और ये मंथली बेसिस पे जाता है। आई रिपीट, ये ईयरली नहीं, मंथली बेसिस। कौन से मंथ का रिटर्न फाइल कर रहा हूं मैं? अप्रैल। और ये कब फाइल करना पड़ता है? अगले महीने की 20 तारीख, पेमेंट करने के बाद। ये आपने पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, कितना पेमेंट करना था गवर्नमेंट को? 20 लाख। एंड दे आर आफ्टर यू आर फाइलिंग जीएसटीआर 3B कि दिस इज माय फाइनल अमाउंट पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड यू आर इन्फॉर्मिंग टू द गवर्नमेंट थ्रू दिस फॉर्म। तो मुझे बताओ यहां पे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ जीएसटी। अब आता हूं, ओके, आई वॉन्ट टू वेलकम इन द यहां पे ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी क्या कहता है देखो, आपको ये जो रिटर्न देने पड़ेंगे, कौन से? एक तो स्टेटमेंट और दूसरा रिटर्न। अरे है ना, स्टेटमेंट कौन सा है? जीएसटीआर, रिवाइज करो, जीएसटीआर 1, और रिटर्न कौन सा है? ये हर रजिस्ट्रेशन के अलग अलग देने पड़ेंगे। मतलब क्या मतलब बताओ, सारे इसका एक ही जीएसटीआर 1 दे सकता है क्या? क्या सारे इसका एक ही 3B दे सकता हो क्या? जितने रजिस्ट्रेशन उतने अलग अलग जीएसटीआर 1। अब सभी कैलकुलेटर लो अपने हाथ में, ओके। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इसका जीएसटीआर 1 अलग और इसका जीएसटीआर 3B अलग। अरे है ना, सेम इसका जीएसटीआर 1 अलग क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, इसका जीएसटीआर 3B अलग। कल मुझे कुछ स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे थे, बेटा आज आंसर मिल गया, थोड़ा पेशेंस रखना, हर चीज का आंसर आपको मिलेगा। ओके, इसका भी जीएसटीआर 1 अलग और जीएसटीआर 3B अलग। रुक जाओ, अभी सवाल मत पूछो, मुझे बहुत कुछ बोलना है, पहले मुझे बोलने दो। अरे है ना, और इसका भी जीएसटीआर 1 अलग और जीएसटीआर 3B अलग। देन ये समझ में आया क्या आपके? अब देखो इनका सबका, अच्छा जीएसटीआर 1 और 3B ये ईयरली जाता है या मंथली? अब इमेजिन करो V-Smart की पूरे इंडिया में ब्रांचेस है, यानी 31 states और 5 UTs। अरे है ना, यानी टोटल कितना हुआ रजिस्ट्रेशन मेरा? वो तो मैंडेटरी करना ही पड़ेगा स्टेट वाइज। अरे है ना, तो 31 state और 5 UTs, कितने रजिस्ट्रेशन हुए? 36 रजिस्ट्रेशन हुए। हाँ, तो समझ लो कि मेरा कोई क्लाइंट है जिसके 36 रजिस्ट्रेशन है अलग अलग स्टेट्स में। अब देखो कैलकुलेशन क्या है, मन के ये दो फॉर्म, कौन से दो फॉर्म? रजिस्ट्रेशन वाइज, यानी एक रजिस्ट्रेशन के 12 मंथ के किसने होते हैं? मतलब चलो मुझे बताओ, क्योंकि 12 महीने के 12 फॉर्म। अरे है ना, नहीं समझ रहे, एक मंथ के दो फॉर्म जा रहे हैं तो 12 मंथ्स के 24 एक ब्रांच का जाएगा इनटू 36, 864 फॉर्म्स आपको पूरे साल भर में फिलअप करने पड़ेंगे। और एक जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करने की मिनिमम फीस 10,000 ले लो, तो इनटू 10,000 करो, कितना बोला 86 लाख, 40,000। अगर एक क्लाइंट मिल जाए जो पूरे इंडिया में बिजनेस करता है, एक क्लाइंट मिल जाए जो पूरे इंडिया में बिजनेस करता है, तो भाई साहब ये तो गोल्ड माइन है। अरे है ना, मैं ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तो ऐसे कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो गोल्ड माइन नहीं।
ओके यानी 86 लाख कुछ अमाउंट है, ये मिनिमम 10,000 बोल रहा हो, मैं तो कंपनी देख के और ले सकता हूँ। अरे समझा नहीं समझा? तो भाई साहब हाँ, जीएसटी में इतने फॉर्म्स, इतना एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स जैसा नहीं है कि सभी का एक ही रिटर्न, सभी का एक ही पैन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर पैसा ही पैसा, हाँ इसलिए मैं आपको ये जीएसटी पढ़ा रहा हूं। आपने तो फीस देके छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है, इसका जब पेड़ आएगा, हाँ पैसा ही पैसा। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप जो है ऐसे जीएसटी से पैसा कमाओ, मर्सिडीज लो, मैं हेलीकॉप्टर लेता हूं। और टर्न टू अवर डिस्कशन ना नेक्स्ट, साइलेंट प्लीज। तो इस तरह से यहां पे हमने देखा कि आपको आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट और जीएसटी आर 3B क्या रजिस्ट्रेशन वाइज देने पड़ेगा। अब एक दूसरा सवाल आता है, ये तो क्लियर हो गया हमारा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रिटर्न, सेपरेट स्टेटमेंट। अब दूसरा सवाल क्या आता है, सर ये बताओ, साइलेंट प्लीज। महाराष्ट्र में मेरी दो ब्रांचेस है, ठीक है, एक गुजरात ले लो, गुजरात में मेरा एक एक फैक्ट्री F2 है, महाराष्ट्र में F2 नहीं F3 है, और महाराष्ट्र में F1 है, और दूसरा क्या बेटा F2 है। दो फैक्ट्री सिर्फ महाराष्ट्र में है, या दो शॉप्स महाराष्ट्र में है, या दो सर्विस प्रोवाइडर प्लेस महाराष्ट्र में है। ये समझ में आ रहा है क्या? शॉप ले लो ट्रेडर का, फैक्ट्री ले लो मैन्युफैक्चरर का, या सर्विस प्रोवाइडर ले लो। मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे भी है, नागपुर में भी है, और गुजरात में भी है। समझ में आया क्या? तो अब यहाँ सवाल क्या है, सवाल यह है कि गुजरात का तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कौन गुजरात का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, यहां पे करना ही पड़ेगा, स्टेट बदल गया भाई। ओके, तो उसका जीएसटी इनके पहले दो कोड ही बदल जाते हैं। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री पुणे में है और दूसरा फैक्ट्री नागपुर में है, तो सर या दो शॉप्स है या दो सेंटर्स है हमारे, तो ऐसे केस में सर इन दोनों का हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले, या क्या दोनों का मिला के सिंगल रजिस्ट्रेशन ले? दोनों का मिला के सिंगल, और दोनों के एड्रेस दे दिए हमने रजिस्ट्रेशन में कि हमारी दो ब्रांचेस है और इसका एक ही जीएसटी। हमारी गवर्नमेंट कहती है, सुनना ध्यान से, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप सिंगल ही लो, फिर वो दो हो या 30 ब्रांचेस हो महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा है? अगर सेम स्टेट है, आई रिपीट क्या कहा मैंने, सेम स्टेट है, तो आप क्या सिंगल रजिस्ट्रेशन ले, और वो रजिस्ट्रेशन में सारे के एड्रेस दे दो। जब आप वो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोला था ना मैंने, नहीं नहीं आपको नहीं पता, ओके यहां पे, अरे बंद हो गया क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है, मेरे पास PPT है। हम ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बोला जाता है, जो अभी हमने याद आ रहा है पोर्टल पे गए थे, रजिस्ट्रर पे गए थे, ओके, इस फॉर्म को बोला जाता है REG, सबने लर्न करना है। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? REG 01। सॉरी, REG का मतलब रजिस्ट्रेशन, और उसको फॉर्म कौन सा नंबर का है? 01। सर 01 ही क्यों है? है बस, ठीक है, तो REG 01। तो अगर आपके पास घर में पापा बोले कि भाई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप पापा को कहना कि REG 01 ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। पापा पूछेंगे REG 01 क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे बेटा तुझे जीएसटी बहुत पता है, क्लास कहाँ लगा दी? हाँ तो, तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो साइलेंट प्लीज, कौन सा REG 01, जिसमें हमारे से क्या क्या डेटा लिया गया, हु इज द टैक्स पेयर। अरे आया ना, स्टेट बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेट कोड मिलता है आपको, हाँ है ना, फिर पैन, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन किसके बेस पर है बेटा? पैन पे, और आपको डिस्ट्रिक्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन आप जो है, अब अगर आप रजिस्ट्रेशन में नीचे आते हो, तो ये देखो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन सेम पैन में, सेम स्टेट में, अरे है ना,
तो अगर आप जब नीचे आते हो तो ऐसे केस में आपको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस, मतलब ओके महाराष्ट्र में अगर आपकी दो ब्रांचेस है तो आपको दो डेटा देना पड़ता है, विच इज द प्रिंसिपल प्लेस दैट इज पुणे, अरे है ना, एंड विच इज द क्या एडिशनल प्लेस दैट इज नागपुर। आई होप यू अंडरस्टूड, ये पढ़ाऊंगा आगे में कि कैसे ये डेटा फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप चाहो तो आपका चाहो, हम भी आपको बोलेंगे कि अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस सेम स्टेट में हो तो आप जो है सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अच्छा, क्या फायदे सिंगल रजिस्ट्रेशन के, सिंगल रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे, कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस क्या मतलब, एक ही GSTR 1 दो, अरे है ना, एक ही GSTR 3 भी दो, दैट्स ऑल। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लॉज क्या लाया, सेक्शन 25, जब आगे पढ़ाऊंगा, तो सेक्शन 25 में गवर्नमेंट कहती है कि हम तो आपको एक ही बोलेंगे, लेकिन अगर आप चाहो, आई रिपीट द वर्ड, क्या आप चाहो तो इसका आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सर मतलब ये हमारे पे छोड़ा है, हां पर सुनना, आप अगर सेपरेट लोगे तो फिर दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के सारे कंप्लायंसेस सेपरेट हो गए, सारे कंप्लायंसेस सेपरेट हो गए, फिर अब वो कॉमन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आया क्या? तो ये आप पे डिपेंडेंट है। सर फिर लोग क्यों लेंगे सेपरेट, उनके लिए तो एक ही ज्यादा बेनिफिशियल है। लेते बेटा, लोग सेपरेट इसलिए लेते हैं जब नेचर ऑफ बिजनेस बदल जाता है। समझ लो यहां पे आपका शूज का फैक्ट्री है, अरे है ना, और यहां पे आपका क्या स्वीट्स का फैक्ट्री है अंडर सेम पैन, तो क्या हो जाता है, एक रजिस्ट्रेशन में बहुत खिचड़ी हो जाती है और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन लिया तो बेसन का क्रेडिट शूज में, कुछ याद आया क्या, कल लिया था ना मैंने, और वो स्टॉक मैचिंग नहीं हो पाती और इतनी लोगों को दिक्कत जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि जब ऑफिसर स्टॉक मैचिंग के लिए आते हैं कि भाई स्टॉक मैच करके दे, तूने ITC सही लिया बता, अरे है ना, तो वो स्टॉक मैच करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अगर तुम्हारे नेचर बदल गया, आई रिपीट द वर्ड क्या, नेचर, तो हम खुद सजेस्ट करते हैं नहीं भाई ये टोटली डिफरेंट नेचर है। ओके, शूज अलग है और मिठाई के शॉप अलग है, टोटली डिफरेंट नेचर है। हम सजेस्ट करते कि टेक अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है कंप्लायंस बढ़ेगा पर तुमको स्टॉक मैचिंग, तुमको सेल्स का मैचिंग, ओके, इतने सारी झंझटें नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये गवर्नमेंट ने बोला आप डिसाइड करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेसन का क्रेडिट शूज में लेना चाहते हो सिंगल रजिस्ट्रेशन में ले लो, लेकिन अगर आप सेपरेट करो तो आपकी मर्जी, हमें दिक्कत नहीं है, पर हमारा ऑफिसर को सारा प्रूव करके दो कि तुमने जो भी किया वो सही किया। ओके, तो एक बार लास्ट कंक्लूड करते हैं पॉलिसी। तो मुझे ये बताओ यहां पे अगर यहां एक ही स्टेट में, पहला थॉट, सेम स्टेट में मल्टीपल प्लेसेस होगी तो मेरी क्या करूं, सिंगल रजिस्ट्रेशन, पर नेचर अलग अलग हो गए तो ये नेचर मतलब वो लॉ में नहीं लिखा है, लॉ तो कहता है सेम नेचर का भी आपके ऊपर है, अरे है ना, पर जनरली हम प्रैक्टिकल लाइफ में नेचर अलग हो गए तो बोलते हैं अलग अलग करवा। लेकिन मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ओनली फॉर CA CMA CS, वही पुणे में, वही नागपुर में, अरे है ना, वही, और नेचर एग्जैक्टली सेम है, तो फिर मैं एक ही करवाऊंगा भाई, क्यों मैं अलग अलग करवाऊ। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था रिगार्डिंग यू सेपरेट रजिस्ट्रेशन एट योर ऑप्शन। तो अब इसके बेसिस पर हम थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और आ जाओ रेगुलर मैट में। डीम डिस्टिंग क्या पर्सन, आपने लिखा ना यहां पे, इसको शॉर्ट में हम क्या करेंगे, कहेंगे DDP। आ जाओ, चलो फटाफट नोट्स में आ जाओ। DDP, डीम डिस्टिंग पर्सन, तो वो क्या कहते हैं, देखो, डिस्टिंग पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25। देखो 25 का कुछ पार्ट से यहां ले रहा हूं। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो पर्सन, डीम डिस्टिंग पर्सन, क्योंकि मैं अभी कुछ पर्सन के बारे में कह रहा हूं। एक होता है नॉर्मल पर्सन और एक होता है क्या, डीम डिस्टिंग पर्सन। अब सेक्शन 25 हम 25(4) और 25(5) पढ़ेंगे, पहले उसके पहले पढ़ लेते हैं। बिफोर वी गो थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ डिस्टिंग पर्सन,
statutory provision of distinct person. Let us first have an overview of registration provision. Pehla, state wise registration under GST. Kya state wise compulsory registration? Are aaya na? Under GST law, supplier must obtain registration separately for each state or kya UT. Okay, UT, where they make a taxable supplies if their aggregate turnover exceeds kya prescribed threshold limit. In simple word, aapko state wise alag alag registration lene padenge. Agar aapka turnover threshold se jyada ho gaya, threshold se jyada ho gya matlab 20 lakhs ka, theek hai, uske baad mein registration is not required for the state, only taxable or exempt supplies are kya made. ये सिर्फ हाईलाइट करके रखो, बाद में बताऊंगा. ओके, इसको हाईलाइट करके रखो. जहां से आप यहां पे, अच्छा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब कौन सी सप्लाई? जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, वो नहीं देखो. कौन से? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर एंड ईएनए. अरे है ना, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हुए. अब देखो, मैं आपको ये बता दूं कि समझ लो वी स्मार्ट का पेट्रोल पंप है गुजरात में. क्या है बेटा? पेट्रोल पंप है गुजरात में. गुजरात में सिर्फ पेट्रोल पंप है. तो इवन दो वो वी स्मार्ट का है और वहां पे ओके, वो गुजरात में पेट्रोल पंप है, समझ में आया क्या? लेकिन यहां पे अगर सिर्फ वहां पे पेट्रोल पंप होगा तो मुझे उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इवन दो स्टेट बदल गया. क्यों? क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके करूं क्या? पेट्रोल पे जीएसटी आता ही नहीं है. अरे यस और नो? तो ऐसे केस में वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट, एक कॉल है, थोड़ा अर्जेंट है, एक मिनट का ब्रेक ले लो, मैं जस्ट आ रहा हूं.
हेलो, ठीक है। तो वो ये कहते हैं, कि आपको स्टेट वाइज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका कोई स्टेट में ऐसा सप्लाई हो रहा है जो नॉन टैक्सेबल है, ओके, तो फिर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो भी चलेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट का मतलब एक स्टेट में। नॉर्मली सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर अ स्टेट और क्या यूटी। हाउएवर यहां पे वो क्या कहते, देखो, इफ दे हैव मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूटी, दे हैव ऑप्शन टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन कवरिंग ऑल दोस प्लेस ऑफ बिजनेस, और यह अंडरलाइन करो, और दे मे चूज टू ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन दैट क्या स्टेट। मतलब आप चाहो तो पूरे स्टेट में सारे ब्रांचेस का सिंगल भी ले सकते हो, या आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर ब्रांच का सेपरेट भी ले सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, ये रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? यस, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा। अब सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, द एस्टेब्लिशमेंट विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर क्या जीएसटी पर्पस। मतलब ये हुआ कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, ध्यान सुनना, महाराष्ट्र में है, गुजरात में एक ब्रांच है, महाराष्ट्र में दो ब्रांचेस हैं, और आपने इसका तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और इसका भी आपने अगर सेपरेट ले लिया, महाराष्ट्र का भी आपने क्या ले लिया सेपरेट, तो ये जीएसटी पर्पस के लिए अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। अच्छा, ये अलग अलग है या ब्रांचेस है? रियली तो ये ब्रांचेस है, इसकी एक ही बैलेंस शीट बनती है, एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, समझ में आया क्या? एक ही बैलेंस शीट बनेगी, एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए ये सेपरेट माने जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे डिम डिस्टिंग पर्सन। अब एक प्रोविजन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो प्रोविजन क्या, ध्यान से सुनो। समझ लो महाराष्ट्र में और यहाँ गुजरात ले लेते हैं, एक शॉप या फैक्ट्री आपकी, एक ब्रांच B1 महाराष्ट्र में, B2 गुजरात में, और इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, दोनों को सेपरेट पर्सन माना गया है। अब समझ लो आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, होता है ना बहुत सी बार, ब्रांच में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आपने क्या किया, स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो ये जो गुड्स आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रहे हो, सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या, क्योंकि ये अब दो सेपरेट पर्सन हो गए फॉर जीएसटी पर्पस, तो गुड्स यहां से यहां तक जा रहा है, कम ऑन, क्या गुड्स यहां से यहां तक जा रहा है, तो क्या इस गुड्स पे जीएसटी लगाया जाएगा? स्टॉक ट्रांसफर है, क्या जीएसटी लगाया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने आगे ये सेक्शन पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ने सेक्शन 71C पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन में कहा कि हमने इसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना है, रियल में है नहीं, पर हमने इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना है, इसलिए कोई भी गुड्स या सर्विस अगर एक ब्रांच से, सुनना, एक ब्रांच से क्या दूसरे रजिस्टर्ड ब्रांच में जाता है तो इसे सप्लाई माना जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा और इस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। अरे सर, बट क्योंकि अब वो महाराष्ट्र में नहीं बचा, वो जाएगा गुजरात में, ओके, वो गुजरात में जा रहा है तो इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, और कौन सा जीएसटी लगाया जाएगा, आईजीएसटी, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो
अगर सर सेम स्टेट में होगा तो, कोई ब्रांच सेम स्टेट में होगी तो, और वो भी सेपरेटली रजिस्टर्ड होगी तो, ये भी सप्लाई माना जाएगा और इस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा, लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उठ जा। ओके देख बेटा, यहां पे अगर दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है ना, हाँ, तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। अरे आया ना। और वो दोनों अगर डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाए तो, अगर एक ब्रांच से, सुनना, एक ब्रांच से क्या दूसरे ब्रांच को अगर गुड्स जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं बेटा, सर्विसेज जा रहे हैं, तो उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि दोनों की जीएसटी R1 अलग है। अरे है ना, दोनों का स्टॉक अलग रहेगा, दोनों के GSTR 3 भी अलग है। मेरी बात समझा क्या? और स्टेट बदल गए तो दोनों के SGST अलग है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो IGST लगा और गुड्स को भेजो। सर फिर ये बताओ, अब सुनना, अब एडवांस लेवल पे डिस्कशन जा रहा, यहां IGST लग गया। ओके, और इस गुड्स पे IGST लगाया, कैसे लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं बाद में, पहले तो ये सप्लाई हो गया और क्या लगाया हमने इसके ऊपर, IGST। तो क्या सर, जब मैं गुजरात में जाके ये माल बेचूंगा, सेल करूंगा, तो मुझे बताओ गुजरात में जाके जब सेल करूंगा तो कौन सा लगेगा, CGST और SGST? तो ये जो IGST लग के आया मेरी गुड्स पे, अरे है ना, क्या इसका क्रेडिट बाद में मैं ले सकता हूँ? हाँ ले लो, क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया क्या? लेकिन जब भी कोई माल या सर्विसेज एक ब्रांच से दूसरी रजिस्टर ब्रांच को जाएगी तो उस पर GST लगा के भेजा जाएगा, सो दैट अब वो उस ब्रांच का पार्ट बन जाएगा। जो GST लगा वो क्रेडिट ले लो, कमॉन, जो GST लगा वो क्रेडिट ले लो। ओके, लेकिन अब सारा कुछ उस ब्रांच के रिटर्न में बताया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो चलिए अब ये जो हुआ यहाँ पे 25(4), इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ फटाफट। सर ऐसा लॉ बना के तो इन्होंने कंप्लायंसेस बढ़ा दिए, स्टॉक ट्रांसफर पे बढ़ा दिए, आई रिपीट, पर उनके लिए जरूरी था क्योंकि डेस्टिनेशन बदल रहे हैं। अरे है ना, या ओके रजिस्ट्रेशन बदल रहे हैं, उनके उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे प्लीज देखो, मेरी फैक्ट्री प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में है, मेरा वेयरहाउस भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, और आपका डेपो तो ये महाराष्ट्र में है, ये समझ लो यूपी में है, वेयरहाउस आपका ही वेयरहाउस है, और डेपो आपका समझ लो गोवा में है। अरे है ना, तो मुझे बताओ ये जो स्टॉक मैं भेज रहा हूं कहां भेज रहा हूं, वेयरहाउस में, कहां से भेज रहा हूं, महाराष्ट्र से। पहले बताओ तीनों प्लेस ऑफ बिजनेसेस, आई रिपीट, तीनों प्लेस ऑफ बिजनेसेस अलग अलग स्टेट में है, तो मुझे सिंगल रजिस्ट्रेशन या सेपरेट रजिस्ट्रेशन? सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो लिख लो यहां पे, इसका रजिस्ट्रेशन अलग रहेगा, इसका रजिस्ट्रेशन अलग आएगा, और इसका रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेने पड़ेंगे, यस और नो? तो अब यहां पे अगर कोई गुड्स जा रहा है फ्रॉम वन ब्रांच टू वेयरहाउस, अच्छा मैं सेल नहीं कर रहा हूं, ये स्टॉक जा रहा है सिर्फ स्टोर होने, अरे है ना, पर ये दो अलग अलग पर्सन माने गए हैं, अगर ये दो अलग अलग पर्सन माने गए तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा? यस, आपका मन माने या ना माने, गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर लाई है, ठीक है। तो ऐसे केस में चलो यहां लिखो, एरो करके बताओ, पहला पॉइंट लिखो, टाइटल दो स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम, ये स्टॉक ट्रांसफर है फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूपी, पहला पॉइंट, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, ये सप्लाई माना जाएगा। अगर रेफरेंस लिखना है तो लिख लो, ये आगे पढ़ा होगा, अंडर सेक्शन 71C, एक मिनट, कौन सा सेक्शन, 71C
पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन, 7(1)(c) पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन। सर स्टॉक ट्रांसफर का बर्डन तो फिर वो अपनी ब्रांच पे आ गया तो वहां क्रेडिट मिल जाते हैं प्रखर, मतलब वो टेम्पररी बर्डन है क्योंकि आगे उसको वहां पे क्या मिल जाता है, क्रेडिट। समझ में आया क्या? तो वो टेम्पररी बर्डन है। अच्छा ये बताओ, अब दूसरा, अगर ये सप्लाई है, अगर ये सप्लाई है तो इसका बनेगा टैक्स इनवॉइस क्योंकि जीएसटी लगाना पड़ेगा। ओके तो ये ट्रीटेड एज सप्लाई। दूसरा लिखो रिमूवल, अरे यार रिमूवल ऑफ गुड्स अंडर टैक्स इनवॉइस, इसका टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा, इसका टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा। रिमूवल ऑफ गुड्स अंडर क्या बेटा? टैक्स इनवॉइस। अच्छा इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा? यस। कौन सा जीएसटी लगेगा? लिखो आईजीएसटी इज पेएबल, आपको इसके ऊपर आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी इज पेएबल, ठीक है। चलो ये तो हमने देखा कि डिस्टिंग पर्सन है, सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मैं अपने ही डेपो पे, मेरा ही डेपो है, मेरी ब्रांच है और वहाँ गोवा में बेचने के लिए स्टॉक भेज रहा हूँ, गोवा में बेचने के लिए क्या स्टॉक भेज रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये क्या डीडीपी में ट्रांजेक्शन हुआ? डीडीपी मतलब डीम डिस्टिंग पर्सन, महाराष्ट्र अलग गोवा अलग, तो क्या ये भी स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आ जाएगा? यस। तो यहां लिख लो, यहां पे लिख लो स्टॉक ट्रांसफर, और ये जो स्टॉक ट्रांसफर होता है पहले तो वही सारे पॉइंट्स लिखना है, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, वही सारे पॉइंट लिखना है, देख कर लिखो तो आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला, दूसरा और तीसरा, वो तीनों पॉइंट कि भाई सप्लाई बोला जाएगा, टैक्स इनवॉइस में रिमूव होगा, टैक्स इनवॉइस बनेगा बेटा, कोई भी जब भी जीएसटी लगता है तो एक इनवॉइस बनता है और उसको वो इनवॉइस को क्या बोलते हैं? टैक्स इनवॉइस। वही लिखो ना कॉपी करके, सेकेंड पॉइंट वही रहेगा, रिमूवल अंडर क्या? टैक्स इनवॉइस। और तीसरा क्या, कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, सेम वहां पे आईजीएसटी लगेगा। अच्छा सर ये रिमूवल अंडर टैक्स इनवॉइस है क्या, यानी जब ट्रक निकलेगा तो ट्रक के जो कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है ना? अरे यस और नो, तो कौन सा कवरिंग डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे? तो कवरिंग डॉक्यूमेंट होगा टैक्स इनवॉइस, क्योंकि अगर रास्ते में ट्रक पकड़ा गया और पूछा माल किसका है, चलो डॉक्यूमेंट बताओ, तो डॉक्यूमेंट क्या बताएंगे? अरे यस और नो, तो इसका बनेगा टैक्स इनवॉइस, यहां पे इनवॉइस में रिमूव होगा। ओके आपका गुड्स, ओके। और एक सवाल आया है सर, इसका ईवे बिल भी रहेगा क्या? यस ईवे बिल भी रहेगा इसका, ओके। और इसका ईवे बिल भी बनाया जाएगा जो हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आया आपको? ओके दूसरा, अगर हम दूसरा यहां पे लेते हैं सिंगल या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अब ध्यान सुना, सारी ब्रांचेस मेरे सेम स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। फैक्ट्री डिपो भी महाराष्ट्र में ही है और मेरा एक शोरूम है, शोरूम भी कहां पे है? महाराष्ट्र में, जहां से सप्लाई हो रहा है। इज इट क्लियर? तो अब देखो यहां पे वो क्या कहते हैं, सेम स्टेट में है। अच्छा सेम स्टेट में हमने क्या पढ़ा? अरे बोलो ना, सेम स्टेट में हमने क्या पढ़ा? चाहो तो मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लू, चाहो तो मैं अलग रजिस्ट्रेशन। मैंने क्या किया, मैंने फैक्ट्री और डेपो का ऐसे डॉट डॉट में बताना, ओके फैक्ट्री और डेपो का सिंगल रजिस्ट्रेशन है,
ये एक रजिस्ट्रेशन में रखा, लेकिन मेरा जो शोरूम है मैंने इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया, आरईजी मतलब रजिस्ट्रेशन, इसका मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया शोरूम का। तो मुझे बताओ शोरूम का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहा हो तो क्या वो डीडीपी बन गया? हाँ या ना? ये बन गया डीडीपी अंडर सेक्शन 25(4). 25(4) में वो डीडीपी बन जाएगा। डन। तो मुझे बताओ सेम स्टेट में है और सेम स्टेट में होने के बाद भी मैं उसका क्या ले रहा हूं? सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अब अगर इसको डिस्टिंक्ट पर्सन हमने मान लिया, सुनो, तो ये जो फैक्ट्री से गुड शोरूम में जा रहा है उसके ही शोरूम में जा रहा है भाई साहब, ओके, पर डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया जीएसटी के लिए, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? यस यस, क्योंकि पर्सन बदल गया, रजिस्ट्रेशन बदल गया, GSTR1 बदल गया, GSTR3 भी बदल गया। अरे आया ना, तो लिखो लिखो पहला पॉइंट यहां पे, इट इज ट्रीटेड एज, ये टाइटल भी यहां गाड़ी के ऊपर लिख देना, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, TR मतलब ट्रांसफर, तो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। अच्छा सप्लाई कौन से सेक्शन में? वही 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 याद करो, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 71C पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, ये समझा क्या? पैरा 2 ऑफ द शेड्यूल 1। दूसरा सेकेंड पॉइंट, अच्छा अगर इसके ऊपर GST लग रहा है तो कॉरिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? टैक्स इनवॉइस रहेगा, ओके, तो रिमूवल, रिमूवल ऑफ गुड्स, जब फैक्ट्री से गुड्स निकलेगा, जब फैक्ट्री से गुड्स निकलेगा तो रिमूवल ऑफ गुड्स अंडर क्या बेटा? टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, आपका टैक्स इनवॉइस जो है उसमें रहेगा, ईवे बिल भी बनेगा इसका, ओके, हम बाद में लेंगे। अच्छा अब यहां पे टैक्स कौन सा लगेगा? क्योंकि ये इंटर है या इंट्रा है? इंट्रा है, तो लिखो यहां पे CGST एंड क्या बेटा? SGST इज, CGST एंड SGST इज क्या? पेबल, इज पेबल। फिगर में लिखो, जहां लिखना है लिखो, आपकी नोट से वापस नहीं लिखूंगा, ओके, तो यहां तो CGST और SGST इज पेबल, डन। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं डेपो को भेज रहा हूं, मेरी फैक्ट्री पुणे में है और डेपो नासिक में है, अरे यस और ना, और अपने डेपो को भेज रहा हूं, मुझे बताओ ये जो स्टॉक अपने डेपो को भेज रहा हूं यहां पे दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है या सिंगल है? तो ये DDP बोलेगा या सिंगल पर्सन ही बोलेगा? तो जो मैंने स्टॉक फैक्ट्री से डेपो को भेजा अंडर सेम रजिस्ट्रेशन, इस पे GST आएगा या जस्ट स्टॉक ट्रांसफर रहेगा? इस पे GST नहीं आएगा, इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ये समझ में आया क्या? इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, GST नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो लिखो यहां पे, ये सिंगल रजिस्ट्रेशन में और ये स्टॉक ट्रांसफर है, तो पहला पॉइंट लिखो, ओके, पहला पॉइंट लिखो, इट इज नॉट ट्रीटेड एज क्या बेटा? सप्लाई, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। सप्लाई नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखो, नो GST इज पेएबल, नो GST इज पेएबल, इस पे GST नहीं आएगा। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर इसके ऊपर GST नहीं आएगा पर जब ट्रक निकलेगा गुड्स लेके तो कवरिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? क्योंकि टैक्स इनवॉइस तो नहीं रहेगा, तो हाँ करेक्ट, वेरी गुड, इसकी बनती है एक चालान,
और उसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर चालान। स्टॉक ट्रांसफर चालान बनेगी कवरिंग डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस नहीं, क्या बनेगा? स्टॉक ट्रांसफर चालान बनेगी, और उस चालान के अंडर में ये रिमूव किया जाएगा। तो लिखो थर्ड, रिमूवल, रिमूवल ऑफ गुड्स अंडर इन्वर्टेड कॉमा स्टॉक ट्रांसफर चालान। बस एक चालान बनेगी और चालान में रिमूव हो जाएगा, एक चालान बनेगी और चालान में रिमूव हो जाएगा। डन? यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया? कोई डाउट? यस, ऑनलाइन जो कनेक्टेड है बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये तो हमने पहले दो एग्जाम्पल किसके लिए बेटा? गुड्स के। पहले दो एग्जाम्पल किसके लिए? गुड्स के। सर अगर सर्विस होगी, आई रिपीट द वर्ड, क्या समझ लो, वी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस भी और वी स्मार्ट ग्रोसरीज भी है। अरे आया ना, सेम पैन है, सेम पैन है। तो ऐसे केस में, और इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, ये लिख दो, और इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। दोनों के मैंने सेम स्टेट में, सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया है। नहीं बेटा क्रिश, क्रेडिट नहीं बढ़ाएंगे। ओके, क्योंकि तुमको एक स्टेट में पे करना पड़ता है, महाराष्ट्र में पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और उसका क्रेडिट फिर दूसरी जगह मिलेगा। तो तुमको पहले पे करना पड़ता है इन द स्टेट ऑफ क्या, महाराष्ट्र, फिर वो जाके एमपी यूपी में क्रेडिट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो अब समझ लो, एक मेरा सेंटर मेरे दूसरे ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? सर्विस। अच्छा मुझे बताओ, ये सिंगल रजिस्ट्रेशन में है या सेपरेट रजिस्ट्रेशन? तो आपकी सर्विस भी होगी तो इसे भी सप्लाई बोला जाएगा। ओके, इसे भी सप्लाई बोला जाएगा। तो चलो यहां लिखो, ये जो सर्विस प्रोवाइड हुई, तो लिखो पहला पॉइंट, पहला वही लिखो, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। कौन से सेक्शन में? इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई अंडर सेक्शन 71C पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। सर्विस को भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड यहां पे लिखो, प्रोविजन ऑफ सर्विस, ऑफ सर्विस अंडर इन्वर्टेड कॉमा में टैक्स इनवॉइस, इन्वर्टेड कॉमा में टैक्स इनवॉइस, और कौन सा टैक्स पेएबल होगा? इंट्रा है ना ये, तो देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज पेएबल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज पेएबल। चालान नहीं रहेगा यहां पे, क्यों? क्योंकि ये सेपरेटली रजिस्टर्ड है। सेपरेटली रजिस्टर्ड है मतलब क्या हो गया बेटा? ये डीडीपी। चालान मतलब सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, ओके, और क्वांटिटी होती है और वैल्यू होती है, और उसमें टैक्स नहीं होता है। और टैक्स इनवॉइस में क्या होता है बेटा? टैक्स भी होता है, टैक्स भी होता है, टैक्स कैलकुलेट करके। तो ये देखा हमने, ओके, यहाँ पे सेक्शन 20, पहले तो ये जो था सेक्शन 20 सबसेक्शन 4। तो मुझे बताओ सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, मुझे ये बताओ, ये सेक्शन ये कह रहा है कि सप्लाई है, या ये सेक्शन सिर्फ ये कह रहा है कि ये डीडीपी है? ये सेक्शन सिर्फ कह रहा है कि ये डीडीपी है। अच्छा, तो फिर सप्लाई कौन से सेक्शन में है? अगर ये डीडीपी है तो सप्लाई कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 71C पैरा ऑफ शेड्यूल 1
इसमें उसको क्या बुलाया गया है, सप्लाई, और इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जीएसटी, इसको सप्लाई बोला जाएगा। तो गलती से भी जब हम आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आंसर प्रेजेंट करते वक्त ध्यान बहुत यहां पे आपका होना चाहिए, एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि 25-4 में वो सिर्फ डीडीपी कहा जा रहा है, और वो डीडीपी होने के वजह से ये सेक्शन में उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, जीएसटी लगाया। ओके, तो चलो, और 25-5 थोड़ा बाद में देखते हैं। ओके, आप आ जाइए यहां पे नेक्स्ट पेज पे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन P1 हमारे नोटबुक में आ जाओ, चैप्टर 3 डालो, चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन नोटबुक में आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सप्लाई मीन्स सर्विस प्रोवाइड की, सर्विस दी, सिंपल वर्ड में सर्विस दिया, प्रोवाइड किया, प्रोवाइड का प्रोविजन हुआ। ओके, वर्ड समझ में आया क्या? यस मार्क्स, समझ में आया? सर सेक्शन याद करना है क्या? बेटा वो वैसे ही याद हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो, मैं करवा लूंगा, ठीक है। अब यहां पे पहला क्वेश्चन देखो, वी स्मार्ट एकेडमी हैव वेरियस ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ क्या, महाराष्ट्र, हेड ऑफिस पुणे, ब्रांच मुंबई, ब्रांच 2 नागपुर, ब्रांच 3 नासिक, स्टेट वेदर वी स्मार्ट एकेडमी इज एलिजिबल फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस इन अ स्टेट। अगर वी स्मार्ट चाहे तो क्या वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है? वो तो गवर्नमेंट भी कहता है कि सिंगल ही लो सारे ब्रांचेस का। दूसरा सवाल देखो क्या पूछा है, इफ एंसर टू वन इज यस देन स्टेट वेदर गुड्स ट्रांसफर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुणे हेड ऑफिस टू वेरियस ब्रांचेस विद इन अ सेम स्टेट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। हाँ, क्यों 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 नो? क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन है। अरे है ना। अब नेक्स्ट, इज वी स्मार्ट ऑफ फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस अंडर जीएसटी? क्या फिर सेपरेट रजिस्ट्रेशन अगर लेते हैं तो फिर क्या वो डीडीपी कहलाए जाएंगे? और अगर डीडीपी कहलाए जाएंगे तो अब आज से हमारा चालू होता है प्रेजेंटेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले लिखो यहां पे आंसर में लीगल प्रोविजन, लॉ क्या कहता है अपने ओन वर्ड्स में, कोई जरूरत नहीं कि रट्टा वैसे ही मारना है, ठीक है। लीगल प्रोविजन उसमें लिखो फर्स्ट यहां लिखो। सर सेक्शन याद नहीं आया तो पहले उन स्टूडेंट की बात करता हूं जिनको सेक्शन याद आ रहा है, फिर मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जिनको सेक्शन याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कैसे लिखना चाहिए लीगल प्रोविजन में, एज पर सेक्शन 25-4। अच्छा, आपके ओन वर्ड्स में बताओ, भूल जाओ वो लॉ क्या कहता है, क्या कहता है 25-4, ओन वर्ड्स, फॉरगेट इट, लॉ में क्या लिखा है सर? डीडीपी, अरे इतना वर्ड से नहीं होगा, कुछ तो बोलो। हाँ, थोड़ा सिंपल वर्ड में, इफ, ओके, लिखना मत कुछ भी, इफ यू हैव अ टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट, आई रिपीट द वर्ड, क्या, टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट विच इज सेपरेटली रजिस्टर्ड इन अ सेम स्टेट और क्या इन अ डिफरेंट स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। जरूरी नहीं कि लॉ की लैंग्वेज हो, अरे है ना। ओके, तो लिखो एज पर सेक्शन 25-4, इफ अ पर्सन, इफ अ पर्सन हैव एस्टेब्लिशमेंट्स, हैव टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट, टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट इन अ सेम स्टेट, इन अ सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट, लिखते वक्त पूरा ध्यान, इन डिफरेंट स्टेट
देन दे आर ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, डीडीपी मत लिखना, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, ये हाईलाइट कर दो, ध्यान जाना चाहिए। चलो तो जो आपका पेपर चेक करेगा पहला पॉइंट, उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया, ठीक है। तो आपकी टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट होगी। दूसरा, अगर मुझे बताओ डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होगा तो दूसरा सेक्शन क्या बोलता है? अगर ये डीडीपी है, अगर डीडीपी है तो कोई भी गुड्स और सर्विस सप्लाई होती है बिटवीन डीडीपी, देन दे टूड बी ट्रीटेड एज क्या? सप्लायर। ओके, तो लिखो एज पर सेक्शन 7(1)(c) पैरा 2 ऑफ क्या बेटा? शेड्यूल 1 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस बिटवीन डीडीपी, आप पूरा लिखना, बिटवीन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन इज लायबल टू जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इज लायबल टू क्या? जीएसटी। नाउ अब इसके बेस पर आपका, अब लास्ट कंक्लूड करते हैं कि आपने लीगल प्रोविजन लिख ली। ओके, लास्ट नेक्स्ट टाइटल तो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। पहला क्या पूछा उन्होंने? क्या वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है? तो पहला लिखो यस, एज पर सेक्शन 25 वी स्मार्ट ही था ना, वी स्मार्ट कैन टेक सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर एचओ एंड ऑल ब्रांचेस लोकेटेड इन अ सेम स्टेट, लोकेटेड इन अ सेम स्टेट, एचओ और ऑल ब्रांचेस लोकेटेड इन अ सेम स्टेट। सेकेंड लिखो, इफ सिंगल रजिस्ट्रेशन इज टेकन फॉर ऑल ब्रांचेस देन दे आर नॉट ट्रीटेड एज क्या बेटा? डीम डिस्टिंग पर्सन एंड ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेस बिटवीन देम नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। लिखते वक्त पूरा ध्यान, एंड नो जीएसटी इज पेबल। मैं कोई लीगल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं, एंड नो जीएसटी इज पेबल। ये समझ में आया? इफ सिंगल रजिस्ट्रेशन इज टेकन फॉर ऑल ब्रांचेस देन दे आर नॉट ट्रीटेड एज डीडीपी एंड ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन देम नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई and no GST is
पेबल। थर्ड का क्या बोल रहे, क्या वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है? तो लिखो, एज पर सेक्शन 25 पर्सन एट हिज ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है, एट हिज ऑप्शन कैन टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एचओ, फॉर एचओ एंड ईच ब्रांचेस, एचओ एंड ईच ब्रांच। आगे लिखो, इन दिस केस they are treated as क्या माना जाएगा उनको? हाँ, डीडीपी, दे आर ट्रीटेड एज डीडीपी एंड ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेस, ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेस बिटवीन देम इज अ सप्लाय एंड लायबल टू, क्या बेटा? लायबल टू जीएसटी, इसको अंडरलाइन करना, इज अ सप्लाय एंड लायबल टू जीएसटी। रजिस्ट्रेशन फॉर एच ओ और ऑल ब्रांचेस लोकेटेड इन द सेम स्टेट, डन डन आर डन डन, यस और नो? अब P2 क्वेश्चन देखो, सुनो, डिस्कस तो कर ही सकते, दो मिनट चलो। देर आर थ्री फैक्ट्रीज ऑफ सैंक्शन प्राइवेट लिमिटेड अंडर सेम पैन, क्या कहा? अंडर सेम पैन, विच आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश। एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या ब्रीफली, वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच फैक्ट्री, वो तो मैंडेटरी है। हाँ, कौन सा वाला? हाँ वहां पे, अच्छा यहां सेक्शन 25 बोल रहे हो क्या आप? ये वाला, इसमें क्या हुआ? इफ ए पर्सन हैव टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट इन अ, अच्छा एक वर्ड रह गया है, इन अ सेम स्टेट, अच्छा, हाँ बराबर है मेरे वो वर्ड, ओके यहां पे एक वर्ड ऐड करना, टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट विथ अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यहां पे एक ऊपर वाले इसमें मैं रह गया वो विथ अ क्या बेटा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, ओके, टू और मोर एस्टेब्लिशमेंट विथ अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एक वर्ड ऐड कर देना यहां पे, किया है, वेरी गुड, विथ अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन अ सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट। हाँ ठीक है, स्टेट और यूटी आना चाहिए, करेक्ट है, अब वो प्रिज्यूम कर लेने का कि स्टेट या यूटी, ओके, और अब तू ज्यादा बोला बाकी बोलेंगे वो तू भारा लेता, पर पॉइंट सही है तेरा, सेपरेट स्टेट और यूटी, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच फैक्ट्री, यस। उसके बाद में, वेदर ईच ऑफ रजिस्टर फैक्ट्री वुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन अंडर जीएसटी, यस।
whether stock transfer of service provided from one factory to another factory would be treated as supply and liable to GST? Yes. ये कोई CPT exam है या foundation है कि yes लिखोगे? मुझे कल पूरा इसका presentation आज का DPQ है, आज का DPQ है, कल मुझे पूरा इसका presentation के साथ चाहिए, yes or no? Yes. हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं tomorrow sharp at 10:30. Tomorrow session is very very important. सभी बंधनों को तोड़ के आना है. So thank you so much. और मैं ये बता दूँ, ये संडे को जिन्होंने भवर सर का क्लास लगाया है, तो संडे को क्लास भवर सर का है, ठीक है? मेरा नहीं होगा. ओके. नहीं नहीं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन होगा और आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होगा, जो ये क्लासरूम में भी चलाया जाए. आपको यहां देखना है तो क्लासरूम में भी देख सकते हो. डन. ओके, तो बाय बोलो बच्चों. और आपके कोई डाउट्स हो गए तो रुक जाओ, DDP अभी खत्म नहीं हुआ है, कल खत्म होगा, ठीक है? तो मैं कल एंटरटेन कर लूंगा. DPQ प्रैक्टिस क्वेश्चन P2, DPQ प्रैक्टिस क्वेश्चन P2. नहीं नहीं, कल मैं कम कर दूंगा. बहुत लोग, ये देख यहाँ पे खाली है, दो बैग्स रखे हुए. कल से मैं स्ट्रिक्टली हो जाऊँ. हाँ, कल कर सकते. आज चैप्टर 1 सर यानी 2 सर PDF, आज PDF भेज दो, लॉगिन में डाल दो स्कैन करके, चैप्टर 1 और 2 का. टेलीग्राम वर PDF टाकली नहीं का मी कल टक बेटा? टेलीग्राम में नोट सेक्शन में डाली है ना मैंने PDF, टेलीग्राम में नोट सेक्शन में डाली है, टेलीग्राम ग्रुप में, और आपके लॉगिन में भी है. यस बेटा, GSTN लगेगा अगर एक ब्रांच को दूसरे स्टेट में सेल करवाना है तो लगेगा. क्वेश्चन वाला डाला है ना मैंने, नोट सेक्शन में डाला है, मैं टाकला है, तू बगना ग्रुप में दे. टेलीग्राम में डाला है, लॉगिन में भी डाला है, नोट सेक्शन में डाला है. ट्वेंटी फाइव फोर तो लिखा है ना आंसर में, ये जो 25-4 लिखा है ना. नहीं बेटा, टेलीग्राम में देख लो. नहीं नहीं, कल मैंने लॉगिन भी चेक करवाया, डाला है बेटा, एक बार फिर से चेक करो. चैप्टर 3 क्वेश्चनर बोल रहे हो कि चैप्टर 3 काय काय टाकले देते हो? 2, 3 से नहीं रखना. बस चैप्टर 3 भी डाल देता हूं बेटा. नहीं, पर चैप्टर 3 नहीं है, चैप्टर 2 जो है क्वेश्चनेयर का, उसमें 2 और 3 मिला के है, यानी चार्जिंग भी है और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई भी है. क्वेश्चनेयर का चैप्टर 2 दोनों कवर कर लेता है, चार्जिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. ऑर्डर नंबर 320109. इंपोर्टेड सर्विस नहीं ऋषिकेश, इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम कलेक्ट होता है, सर्विस पे IGST लगता है, मैं आगे बताऊंगा.
कल रिवाइज हो गया सौम्या जैन, कल रिवाइज होगा। नहीं बेटा, जीएसटी लेस नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो एडिशनल लगता है। इसलिए इंपोर्ट के केस में ओके वैल्यू पे करनी पड़ेगी और जीएसटी अलग से देना पड़ेगा, जिसका हम क्रेडिट भी ले सकते हैं। पवन सिंह, आपको ही दिक्कत जा रही है, मेरा तो नहीं होता है, मैं भी ऐप में ही देख रहा हूं। एक ऑर्डर आईडी ली 320109 ये लगा। वो सिर्फ पहला स्टेट कोड बदलेगा, पहले दो डिजिट बदलेंगे और आखिरी के चेकसम नंबर बदलेंगे। तो जो मतलब एक पैन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर मिल जाते हैं, अब जैसे कोई इंडिविजुअल है जो लोकल लेवल पे बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे किराने वाले, काम तो उनका भी बहुत होता है, क्या एक पर्सन के पैन नंबर पे जीएसटी नंबर मिलता है या फिर कोई फॉर्म ही होनी चाहिए? नहीं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज ऑल्सो पर्सन। नहीं, वो कॉमन मिलती है, कल पढ़ा होगा, कॉमन मिलती है। नहीं, वो सबका मिला के 20 क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे ना बेटा, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होने दो, फिर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। सर, सेम स्टेट में और सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया ब्रांच का, और ब्रांच दूसरे स्टेट में सेल कर रहा है, तो जीएसटी ऑफ हेड ऑफिस, हाँ वही हेड ऑफिस जो कॉमन रजिस्ट्रेशन है वही लिया जाएगा। नहीं प्रखर, ऐसा नहीं होता है, कल मैं तुमको यह प्रोसेस बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? अभी चैप्टर 3 का पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, वो तो चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। अच्छा तरुण, आपको अभी तक बुक नहीं मिली है क्या? आकाश, कल मैं और रिवाइज कर दूंगा, एक और लिखो 327065। ओके, बुक नहीं मिली है, ठीक है, मैं चैप्टर 3 भी डलवा देता हूं। आप टेलीग्राम में नोट्स में देख लेना, नोट सेक्शन में चैप्टर 1, 2, 3 का भी पीडीएफ डलवा देता हूं, कोई बात नहीं। चल जिला संघ रेगुलर मैट चैप्टर 3। सेकेंड शिपमेंट बेटा 22nd या 23rd के बाद ही निकलेगा। ओके, बाय बेटा, चल बंदर।